Good morning, friends. Today we are discussing payment of tax. अब आपके पास बहुत ज्यादा कोर्स नहीं रह गया आपका, तो सिर्फ आपके दो चैप्टर रह गए हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिटर्न. जल्दी से जल्दी हम इस चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर देंगे ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए. उसके बाद अपना फटाफट सारा रिवाइज साथ में करते रहे आप. रिविजन करना बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना, पुराने चैप्टर को नहीं भूलना, उनको प्रॉपर रिवाइज करते रहना है. पेमेंट ऑफ टैक्स हम डिस्कस कर रहे हैं आज. इसमें से ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आता ही आता है आईटीसी के साथ में मिक्स होके, साथ में कुछ अलग से क्वेश्चन भी आ जाते हैं. दोनों पहलू पे हम डिस्कस करेंगे. आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में जब अपना ये चैप्टर शुरू किया था लेवी का, तो हमने बात करी थी थ्री पिलर ऑफ टैक्स. हमने कहा था पहला पिलर होता है लेवी, दूसरा पिलर होता है रेट, अगर आपको याद हो अपनी क्लास, और तीसरा पिलर होता है पेमेंट. ये तीन पिलर्स की हमने बात की थी अपनी इनिशियल क्लासेस के अंदर. पेमेंट करने से पहले हम चेक करते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई अराइज हुआ है कि नहीं हुआ. इसके लिए हमने पढ़ा था सेक्शन 12, सेक्शन 13. ये था गुड्स के लिए और ये था सर्विस के लिए, और इसके अंदर भी अलग अलग केस थे जहां पे हमने पढ़ा था कि सेक्शन 12 के अंदर फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर एंड अदर केस, सेक्शन 13 के अंदर फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर एंड अदर केस. तो ये हमने टाइम ऑफ सप्लाई भी पढ़ा था जो पेमेंट के बारे में ही बात करता है. मतलब लायबिलिटी अराइज यहां पे हो रही है, लायबिलिटी आपकी अराइज यहां पे हो रही है, और लायबिलिटी पेमेंट जो पे हो रही है वो आपकी हो रही है पेमेंट, पेमेंट वाले चैप्टर में सेक्शन 49 में. पे कब होती है लायबिलिटी? सर लायबिलिटी पे होती है नेक्स्ट मंथ के जब आप 3B फाइल करते हो, 20th को हम लायबिलिटी पे करते हैं. एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्ट किया है आरटीपी के अंदर. अगर आप ये कंसेप्ट नहीं समझोगे तो आप गलती कर जाओगे. मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है इंस्टीट्यूट ने इन दोनों कंसेप्ट को लिंक करके. जब हमारा कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां दो कॉन्सेप्ट लिंक हो जाते हैं, आईटीसी पेमेंट या फिर टाइम ऑफ सप्लाई पेमेंट या फिर रिटर्न पेमेंट, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज जाते हैं, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज जाते हैं. वो सोचते हैं यार कि दो कॉन्सेप्ट क्यों मर्ज कर दिए इन्होंने, इंस्टीट्यूट ने या एग्जामिनर ने. हमारे को तो सिंपल कॉन्सेप्ट आते हैं, हमें चैप्टर वाइज पूछ लो, हम बता देंगे. अगर आपने जहां दो कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए हम बड़ा डर जाते हैं. तो डरना नहीं है आपको दोस्तों, बिल्कुल डरना नहीं है आपको, हम आपके साथ हैं. तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई देखने के बाद आपको देखना है पेमेंट अराइज होगी अगले महीने की 20 तारीख को. मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरी टाइम ऑफ सप्लाई यहां पे हुई मान लो 6/7/2020 को, ये हुई मेरी टाइम ऑफ सप्लाई या तो रिवर्स चार्ज में या फॉरवर्ड चार्ज में. रिवर्स चार्ज में कब होती है वो आपको पढ़ा चुका हूं मैं, आप रिवाइज कर लेना. तो ये मेरी टाइम ऑफ सप्लाई अराइज हो गई. मैंने कहा जी माय टाइम ऑफ सप्लाई इज 6th of July 2020, तो इसकी जो पेमेंट होगी, इसकी पेमेंट होगी अगले महीने की 20th अगस्त में इसकी पेमेंट होगी. तो ध्यान रखना टाइम ऑफ सप्लाई अराइज होती है जब आपका इवेंट हो जाता है, उसके बाद पेमेंट की लायबिलिटी अराइज होती है आपकी, वो नेक्स्ट मंथ में होती है. इसका बहुत ज्यादा यूज होगा एक क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में करा दिया है, कंफ्यूज नहीं होना. पेमेंट अलग चीज है, टाइम ऑफ सप्लाई अलग चीज है और पेमेंट अलग चीज है. दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, दोनों को मिक्स मत करना, बिल्कुल भी मिक्स मत करना. तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है. हम समझते हैं चैप्टर में हमें समझना क्या है. इस चैप्टर में हमें क्या समझना है मैं आपको बता देता हूं. गवर्नमेंट कहती है जी हमारे को रेवेन्यू मिलेगा पेमेंट से, टाइम ऑफ सप्लाई से तो सिर्फ हमारे को लायबिलिटी अराइज हो जाती है. असली तो हमारे को जो है हमारा रेवेन्यू पेमेंट से आता है,
पेमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन ने यहां पे पेमेंट करने के दो तरीके बताए। उन्होंने बताया जी पेमेंट आप कर लो या तो क्रेडिट से या पेमेंट आप कर लो कैश से। कैश से भी आप पेमेंट कर सकते हो और क्रेडिट से भी कर सकते हो। तभी तो हमने इसको बनाया था अपनी असेट्स। जब हमने परचेज करते हुए आईटीसी बुक किया था उसको हमने असेट क्यों बनाया था? ताकि फ्यूचर की पेमेंट के लिए उसको हम यूज कर देंगे। फ्यूचर की पेमेंट के लिए यूज करना ये अपने आप में असेट का काम होता है। क्रेडिट से भी यूज कर सकते हैं, कैश से भी यूज कर सकते हैं। क्रेडिट से यूज करने के लिए सेक्शन 16 का पालन करना पड़ेगा, सेक्शन 17(5) का पालन करना पड़ेगा और सेक्शन 18 का पालन करना पड़ेगा। या बोलूं सेक्शन 17(5) और सेक्शन 17 और 18, 16, 17, 18 तीनों का आपको पालन करना पड़ेगा, तभी आप क्रेडिट यूज कर सकते हो। एग्जामिनर आपको लंबी लंबी कहानियां सुनाएगा, बड़ी बड़ी स्टोरी सुनाएगा कि एक बंदे ने इंटरस्टेट सप्लाई करा, इंटर किया, इंटरस्टेट परचेज करी, ये करा वो करा, सारी बातें करी, उसके बाद निकालो जीएसटी पेबल, निकालो जीएसटी पेबल निकालो। आप ध्यान रखोगे क्रेडिट लेते हुए सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18 को फॉलो करते हुए हमें वही क्रेडिट देना है, वही क्रेडिट देना है जो इस सारी शर्तों को पूरा कर ले। सारी शर्तें आप पढ़ चुके हो आईटीसी वाले चैप्टर में, तो इसको हम दोबारा नहीं करेंगे। उसके बाद जो आपका बैलेंस बचेगा, जो आप क्रेडिट से पे नहीं कर पा रहे, उसको आप कैश में पे करोगे। सिंपल सी बात है, पहले हम क्रेडिट यूज करेंगे। हम एक समझदार नागरिक है, हम एक समझदार पर्सन है। जब हमारे को कोई चीज बोली है जी आप क्रेडिट यूज कर लो, जब कह रहा है, हमें कहा जा रहा है कि आप क्रेडिट यूज कर लो, तो ऑब्वियसली बात है पहले हम क्रेडिट यूज करेंगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको हम यूज करेंगे कैश में। जो हमारे को गवर्नमेंट सुविधा दे रही है कि आप क्रेडिट यूज कर लो, तो क्रेडिट यूज करेंगे पहले, जब बैलेंस बचेगा उसको हम कैश में यूज कर लेंगे। इसका मतलब सीक्वेंस क्या रहेगा सर? पहले क्रेडिट यूज करना है, बाद में बचा हुआ हमें कैश में पे करना है, ठीक है जी। अब क्रेडिट यूज करने के कुछ तरीके गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किए हुए हैं कि क्रेडिट को कैसे यूज करना है। 49 में प्रेस्क्राइब किया हुआ जी आपको कैसे यूज करना है। मैंने कहा जी अवेलमेंट की बात सेक्शन 16, 17, 18 में लिखी हुई थी और अवेलमेंट का एक टाइम लिमिट भी था। दोबारा बोल देता हूं, आईटीसी अवेल कैसे करना है, आईटीसी अवेल करना एक अलग विषय है, आईटीसी यूटिलाइज करना एक अलग विषय है। दोनों अलग अलग पहलू हैं, दोनों पहलुओं को आपको मर्ज नहीं करना बिल्कुल भी। दोनों अलग अलग पहलू हैं, यूटिलाइज करना और आईटीसी को अवेल करना। आईटीसी अवेल करने की एक टाइम लिमिट थी और वो टाइम लिमिट दी हुई थी सेक्शन 16(4) में और सेक्शन 18 में भी उस टाइम लिमिट दी हुई थी कि 30 दिन में आपको करना है। तो टाइम लिमिट अवेल करने की होती है बट यूटिलाइज करने की टाइम लिमिट बिल्कुल भी नहीं होती। हमने कहा जी हमने अपना आईटीसी बुक कर लिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, हमने अपना आईटीसी बुक कर लिया अपने जीएसटीआर की 3B के अंदर, उसके बाद बुक करने का टाइम लिमिट तो हो गया, अब हम लिमिट में आ गए। उसके बाद हमारे आईटीसी में पड़े हैं, मान लो पड़े हुए हैं 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हमारे आईटीसी में और उसको हम यूज नहीं कर रहे। आज यूज नहीं करा, अगले महीने यूज नहीं करा, अगले साल नहीं करा, 10 साल नहीं करा, 50 साल नहीं करा, कोई बात नहीं, लाइफ टाइम चलेगा ये, आपकी जिंदगी के बाद भी आपके साथ चलेगा। तब तक आपके पास ये रजिस्ट्रेशन रहेगा जीएसटी का, जब तक ये 10 करोड़ रुपए आईटीसी लेजर में पड़े रहेंगे, इसका यूटिलाइजेशन का कोई टाइम लिमिट नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, आज हम क्लास में सीखने जा रहे हैं यूटिलाइज करना सीखने जा रहे हैं, अवेल करना नहीं सीखने जा रहे। अवेल तो हमने सीख लिया सेक्शन 16 में, सेक्शन 17 में, सेक्शन 18 में। आज तो हम इस क्लास में यूटिलाइजेशन करना जा रहे हैं कि यूटिलाइज कैसे करना है। इस आईटीसी को पड़े हुए गुल्लक में पैसा रखा हुआ है, गुल्लक में पैसे रखे हुए को यूटिलाइज कैसे करना है। एक बार वो गुल्लक में आ गया, हमारा पैसा गुल्लक में आ गया, मतलब गुल्लक मतलब हमारे लॉकर में आ गया,
उसके बाद हम उसको यूज है 10 साल बाद करें या 50 साल बाद करें, वो हमारी हेडक है, हमें हमारा राइट है। उसको यूज कैसे करना है, कौन से, अब यहां पे गुल्लक बहुत सारे हैं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं बात कर रहा हूं क्रेडिट की, अभी मैं बात कर रहा हूं क्रेडिट की। मैंने कहा जी हमारे पास क्रेडिट यूज करने के बहुत सारे अलग अलग आईटीसी पड़े हुए हैं, इसको मैं नाम दूंगा इनपुट। तो इनपुट आईजीएसटी पड़ा हुआ है हमारे पास, हमारे पास इनपुट एसजीएसटी पड़ा हुआ है, और हमारे पास इनपुट एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, दोनों को एक ही माना जाता है, ये पड़ा हुआ। ये तीन तरह के आइटम हमारे पास हमारे गुल्लक में, हमारे लॉकर में, या हमारे किसी भी तरह के मान लो हमारे खजाने में पड़े हुए। अब इसको यूज कैसे करना है, इसका मैनर, इसको यूज कैसे करना है इसका मैनर सेक्शंस 49 में लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ टैक्स में। पहली बात तो इसको किस ऑर्डर में यूज करना है, ये बात पहले लॉ में नहीं लिखी हुई थी 2019 से पहले, कि इसका क्या ऑर्डर रहेगा, इसको पहले यूज करना है या इसको पहले यूज करना है, इसका क्या ऑर्डर रहेगा यूज करने का, ये बात पहले लॉ में क्लियर नहीं थी और लोग इसका मिसयूज भी कर रहे थे। तो ऑर्डर भी अब लॉ में प्रोवाइड किया गया सेक्शन 49 के प्रोविजो में, और एक नया सेक्शन भी इंसर्ट किया गया जिसकी बात मैं करूंगा 49B। तो 49B, 49A और 49B इंसर्ट किया गया इसके ऑर्डर को सही करने के लिए। लोग क्या करते थे जी, पहले मेरा जो मन करेगा ना मैं वो वाला खजाना यूज कर लूंगा, मेरा मन करेगा मैं एजीएसटी यूज कर लूंगा, मेरा मन करेगा कि मैं सीजीएसटी यूज कर लूंगा, मेरा मन करेगा मैं एजीएसटी यूज कर लूंगा, जो मन करेगा वो यूज कर लूंगा। तो आपका मन नहीं चलेगा, आपका मन नहीं चलेगा। हम आपको एक रैंकिंग दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं जी, हम आपको एक रैंकिंग दे रहे हैं कि सबसे पहले आपको, सबसे पहले आपको रैंक वन जो है वो रहेगी इनपुट आईजीएसटी की, रैंक वन रहेगी। पहले इसको खत्म करो पूरा, इसको जड़ से खत्म करो पहले, उसके बाद आप किसी आईटीसी लेने की बात करना। पहले इनपुट आईजीएसटी को पूरा खत्म कर दो, पूरा खत्म करने के बाद फिर आप खत्म करोगे इनपुट सीजीएसटी को, इसकी रहेगी रैंक टू। पूरा का पूरा इनपुट सीजीएसटी खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप इनपुट एसजीएसटी और इनपुट यूटीजीएसटी को खत्म करने की बात करोगे। सर अभी हमें को ये बात समझ नहीं आ रही है, अभी आपको ये बात समझ आएगी भी नहीं, क्योंकि अभी तो आप खाली एक ओवरव्यू ले रहे हो, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। हमने कहा जी हमारे पास अलग अलग तरह के खजाना पड़ा है हमारे पास, हमें उसको यूज करने का टाइम लिमिट तो नहीं है, अवेल करने का टाइम लिमिट था, हमने अवेल कर लिया सेक्शन 16(4) के हिसाब से, 18 के हिसाब से। अब हम उसको यूटिलाइज करने जा रहे हैं, पेमेंट के लिए उसको यूज करने जा रहे हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया था मैंने शॉपिंग बिल का, मेरे शॉपिंग में रिवॉर्ड पॉइंट बढ़े हैं, तो उस रिवॉर्ड पॉइंट को, मेरे स्टेटमेंट में रिवॉर्ड पॉइंट आ गए हैं, उसका तो टाइम लिमिट था, बट उसको यूज, मेरे को शॉपिंग आगे अपने बिल पेमेंट के लिए करना है, उसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको आज सिखा रहा हूं। तो रैंक वन रहेगी आईजीएसटी की, सबसे पहले आईजीएसटी को यूज करना है। ये बात कहां लिखी हुई है सर, ये बात ऑर्डर कैसे रहेगा, ये बात प्रोविजो इंसर्ट किया गया और कुछ नए सेक्शन इंसर्ट किए 2019 में, उसके बाद बताया गया जी सबसे पहला रैंक, नंबर फर्स्ट रैंक रहेगा आईजीएसटी का। सर ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि आईजीएसटी के अंदर हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट को बंटवारा करना होता है बिटवीन सेंट्रल और स्टेट। बंटवारा करने के लिए हम चाहते हैं हमें जल्दी से जल्दी पता लगे कि इसका यूटिलाइजेशन कितना हो गया है, उस हिसाब से तो हम बांटेंगे पैसा। अगर हमारे को बंटवारा ही नहीं पता होगा तो हम क्या बांटेंगे। सबसे पहला रखा गया आईजीएसटी को पूरा खत्म करो, उसके बाद आप यूज करोगे। मतलब जैसे मान लो आपके सामने तीन तरह की बोतल रखी है, मैंने कहा जी एक बोतल रखी है आपकी आईजीएसटी की, एक बोतल रखी है सीजीएसटी की, तो गवर्नमेंट कह रही है सबसे पहले आप इसका पानी पी लो, आप सबसे पहले इसका पानी पी लो, इसका पानी खत्म हो जाएगा तो आप बात करना सीजीएसटी की, तो आप बात करना एसजीएसटी की, पहले इस पानी को खत्म कर लो। हमने कहा जी हमारा मन करेगा हम तो किसी भी बोतल से पानी पी लेंगे, हमारा हमें हमें किसने रोका है,
तो लोगों ने कहा हमने आपको रोक लिया, अब हमने आपको रोक लिया, अब सेक्शन बना के प्रोवाइजो बना के कि आपको पहले इस आईजीएसटी का जो इसमें पोर्टल में पानी भरा हुआ है, जो आपकी असेट है, पहले इसको खत्म करो पूरा पूरा, खत्म करने के बाद फिर आप बात करना एसजीएसटी की, फिर आप बात करना सीजीएसटी की, फिर बात करना एसजीएसटी की। तो ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी सीधा जमा घटा करके नहीं आनी है। मैं सिखाऊंगा आपको कैसे आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ये तो बात हो गई क्रेडिट की। सर क्रेडिट का यूज करना हमें सिखाया गया है, क्रेडिट की रैंकिंग हमें सिखाई गई है, और क्रेडिट को यूज करने का कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूं अपने हमारे कैश भाई साहब का। कैश का मैं आपको देता हूं ओवरव्यू। कैश को हमने जो नाम दिया है, इसको गवर्नमेंट नाम देती है, इसको गवर्नमेंट नाम देती है ई क्रेडिट लेजर। एक लेजर क्रिएट की गई गवर्नमेंट के अकाउंट में, गवर्नमेंट के पोर्टल में, कॉमन पोर्टल में एक लेजर क्रिएट की जाती है, उस लेजर का नाम होता है ई क्रेडिट लेजर। इसके बारे में बात करूंगा डिटेल में। उसके बाद इसको नाम देते हैं ई कैश लेजर। कैश जो हमारे पास पड़ा होता है, जो हम कैश डिपॉजिट कराते हैं टू पे आवर लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी, उसको हम कैश लेजर में डाल देते हैं, ई कैश लेजर में डाल देते हैं। कैश डिपॉजिट कराने के दो रास्ते हैं, या तो आप ऑनलाइन डिपॉजिट करा दो, आजकल तो ऑनलाइन ही क्रेडिट, कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है आजकल तो ऑनलाइन में क्या मोड है जी, आरटीजीएस करा दो, ठीक है जी, एनईएफटी करा दो, उसके बाद जी क्या करा दो, ऑनलाइन पेमेंट करा दो। तो ये आपके सारे रास्ते हैं जो आप करा सकते हो। उसके बाद क्या है जी, डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारे रास्ते हैं आपके पेमेंट करने के। उसके अलावा आपको लगता है जी मेरे पास तो ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास तो कैश की व्यवस्था है, मैं ऑनलाइन, मेरे पास अकाउंट है ही नहीं, तो आपके पास ऑनलाइन के अगर आपकी फैसिलिटी, तो आप अप टू 10,000 पर चलान पर टैक्स पीरियड, ओनली 10,000 तक आप कैश ले जाओगे और कैश डिपॉजिट करा दोगे बैंक में, और बैंक वाले आपको एक चलान दे देंगे जीएसटी पेड का। तो बेसिकली अगर आपके पास कैश है, किसी गांव के अंदर कुछ लोगों के पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं होती, तो 10,000 का टैक्स, 10,000 तक का टैक्स आप चलान से पे कर सकते हो पर टैक्स पीरियड, ओनली 10,000 तक का ही कर सकते हो, उससे ऊपर का नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन फैसिलिटी, ज्यादातर ऑनलाइन फैसिलिटी है। अब कैश जमा कराने के लिए हमारे को सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, हमारे को एक चलान क्रिएट करना होता है, और चलान क्रिएट करेंगे हमेशा ऑनलाइन। हमारे पास मैनुअल चलान का सिस्टम लॉ में नहीं है, नो मैनुअल चलान। इसका मतलब तो जो ये बेचारा कह रहा है कि मेरे पास कैश है, इसके पास तो ऑनलाइन होना जरूरी है सब कुछ। हाँ, ऑनलाइन चलान तो ऑनलाइन ही क्रिएट होगा आपके पोर्टल पे, आपको लॉगिन करे बिना चलान क्रिएट आपका नहीं होगा, कोई मैनुअल कोई फिजिकल चलान यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। चलान तो आपको पोर्टल पे जाके ही, जीएसटी पोर्टल पे जाके ही क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद ये चलान आप लेके जाओगे बैंक के पास, बैंक को बोलोगे कि ये मेरा चलान है जी, इस चलान की पेमेंट आप ले लो और मुझे एक रसीद दे दो, और रसीद जाके मैं दिखा दूंगा अपने जीएसटी पोर्टल पे जाके दिखा दूंगा, तो मेरा ये चलान भी हो जाएगा। चलान तो आपको ऑनलाइन जमा कराना पड़ेगा, उसकी पेमेंट दो मोड से होती है, या तो कैश में, कैश की लिमिट है 10,000 पर पीरियड पर चलान, उससे ऊपर कैश जमा नहीं होता। उसके अलावा क्या है, ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड में आरटीजीएस, एनएफटी, ऑनलाइन और डेबिट कार्ड, ये सारी सुविधाएं हैं। इस बात पे एक एक्सेप्शन डाला गया, हमने कहा जी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट केस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के केस में हम ये 10,000 की लिमिट चेक नहीं करेंगे। अगर कोई पेमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देनी है जीएसटी की,
किसी भी पेमेंट देनी है तो हम ये 10,000 के लिमिट चेक नहीं करेंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या आता है, मान लो एग्जांपल पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस को देने हैं पैसे तो पोस्ट ऑफिस कैश में जमा करा सकता है, उसको 10,000 की लिमिट चेक नहीं करनी, उसको 2 करोड़ भी जमा कराने, 2 करोड़ भी कैश में जमा हो सकते हैं। उसके बाद है जी, आपकी कोई डिमांड रिकवरी निकली हुई है डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई डिमांड आई हुई है, कोई नोटिस आया हुआ है, या फिर आपके यहां कोई रेट पड़ी हुई है, तो उस केस में हम कैश आपसे ले लेंगे। अब मान लो एक हो गया थी जिसे रेट आई थी अजय देवगन की, अब उसने रेट डाल दी किसी बंदे के यहाँ पे, अब रेट पड़ गई है, उसको कह रहे जी काम कर अपना ऑनलाइन अकाउंट खोल ले, अपने ऑनलाइन अकाउंट से पेमेंट कर दे हार्ड कर कैश की, वो करेगा ही नहीं, हो गया मुझे पासवर्ड याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, आपके सामने कैश पड़ा हुआ है जो रेट मार रहा है उसके सामने कैश पड़ा हुआ है, तो वो कैश जाके बैंक में जमा करा सकता है, वहां पे कोई लिमिट विमिट चेक नहीं करेंगे, क्योंकि रेट वाला केस है, सीरियस मैटर है, यहाँ पे हम वेट नहीं कर सकते कि ऑनलाइन पेमेंट होगी तो लेंगे अदरवाइज नहीं लेंगे। तो इस तरह के केस में जहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जहां पे रिकवरी होनी है, जहां पे डिमांड निकली हुई है, कहां से ऑफिसर के द्वारा, या फिर कोई रेट वाला केस है, उस केस में कैश 10,000 से ज्यादा भी जमा हो सकता है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने पूछ लिया एक बार, हालांकि ये बुक में आपकी ऐसे कवर नहीं है, मॉड्यूल में भी कवर नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया एक बार कि व्हाट आर द एक्सेप्शन वेयर वी कैन डिपॉजिट कैश मोर देन 10,000 बाई कैश, कैश के द्वारा हम पे कर सकते हैं। तो 3 केस हैं, बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा इफ एनी रिकवरी और डिमांड initiated by GST officer या proper officer, and in case of raid, the GST department can collect tax by cash even more than 10,000. तो ये 3 आपको special case याद करने हैं, जहाँ पे हम cash payment ले लेंगे 10,000 से ऊपर की भी। पर ये बात हो गई cash की, तो cash की बात है आपको समझ में आ गई, cash हम बनाते हैं cash ledger से, और ऑनलाइन जो नॉर्मली ऑनलाइन पेमेंट होती है, चलान हमेशा क्रिएट होता है आपका, चलान हमेशा आपका क्रिएट होगा पोर्टल पर, पोर्टल पर चलान क्रिएट होने के बाद हम या तो कैश में बैंक में जाएंगे, या फिर हम जाएंगे ऑनलाइन फैसिलिटी से और अपनी कैश की पेमेंट कर देंगे बैंक को, बैंक वाला जो है आपका GST पे कर देगा गवर्नमेंट को। इसी तरीके से ऑनलाइन के लिए जाना है तो ऑनलाइन के लिए हमारे को RTGS, NFT ऑनलाइन या डेबिट कार्ड से पेमेंट हम कर सकते हैं। ये बात हो गई हमारी कैश लेजर की, और ये बात हो गई हमारी क्रेडिट लेजर की, ये 2 बातें हो गई। ये 2 तरीके हैं पेमेंट करने के, मैं आपको किसी से कंफर्म करता, पेमेंट करने के 2 तरीके हैं गवर्नमेंट को। तो पहला तरीका हो गया जी आपका क्रेडिट से, और दूसरा तरीका हो गया कैश से। क्रेडिट से पे करने के लिए सेक्शन 16, 17, 18 को आपने अवेल करने के बाद यूटिलाइज करना है। उसके लिए आपको मैनर बताया गया है कि पहले आप IGST को खत्म करो, फिर आप CGST को खत्म करो, फिर आप SGST को खत्म करो। ऑर्डर बताया हुआ है, मैनर बताया हुआ है, कैश को यूज करने का कोई मैनर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है जी, देयर इज नो मैनर। एक तो बात ये हो गई, एक बात और गवर्नमेंट ने ऐड करी, कह रहे क्रेडिट को यूज करने के लिए, क्रेडिट को यूज करने के लिए क्रेडिट लेजर को यूज करने के लिए सिर्फ हम टैक्स की पेमेंट करवाएंगे, हम किसी भी तरह की इंटरेस्ट की, लेट फीस की और पेनल्टी की पेमेंट हम नहीं करवा सकते। हमने कहा जी क्रेडिट को यूज करना है तो क्रेडिट की पेमेंट, अगर आपका कोई इंटरेस्ट निकल रहा है GST का, आपको कोई लेट फीस निकल रही है, आपकी कोई पेनल्टी निकल रही है, या आपका कोई अदर अमाउंट निकल रहा है, तो उसकी पेमेंट करने के लिए हम क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते सर? इतनी सिंपल सिंपल बात है, ये जो क्रेडिट है ये एक पवित्र वस्तु है, ये एक पवित्र वस्तु है, इस पवित्र वस्तु का यूज सिर्फ पवित्र काम के लिए होगा, किसी भी अपवित्र काम के लिए नहीं होगा। अपवित्र क्या होते हैं सर? ये इंटरेस्ट देना अच्छी बात है, आपने गलत काम किया है, आपने लेट पेमेंट करी है हमारे को, आपने ITC का सही यूज नहीं करा तो इसलिए हमने आपको इंटरेस्ट लगाया है, आपने GST टाइम पे नहीं भरा हमने आपको लेट फीस लगाई है, आपने कोई फ्रॉड करा है हमने आपको पेनल्टी लगाई है, ये सारे काम अपवित्र है, सारे काम बेकार के काम है,
तो इसके लिए हम पवित्र आइटम, जो कि पवित्र आइटम क्या है, क्रेडिट लेजर, हम क्रेडिट लेजर का यूज आपको नहीं करने देंगे। हम सिर्फ टैक्स की पेमेंट के लिए ही, ओनली जीएसटी की पेमेंट के लिए ही हम आईटीसी आपको यूज करने देंगे। फालतू के काम करने के लिए हम आपको आईटीसी यूज नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड, कैश पेमेंट हमारा अधिकार है, क्योंकि हमने कैश जमा कराया है, तो कैश पेमेंट की जो बात है उसके लिए हम टैक्स भी पे कर सकते हैं, प्लस अदर ड्यूज भी पे कर सकते हैं। पर ये अदर ड्यूज क्या होते हैं? अदर ड्यूज में आ गया आपका इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस। तो हम सारे के सारे ड्यूज क्लियर कर सकते हैं, किससे? अपने कैश लेजर से हम सारे ड्यूज क्लियर कर सकते हैं। ये कोई पवित्र वस्तु नहीं है, ये तो आम चीज है। हमने कैश जमा कराया, चाहे हम उससे इंटरेस्ट पे करें, चाहे हम टैक्स पे करें, चाहे हम पेनल्टी पे करें या कोई अदर ड्यू पे करें, उससे कोई दिक्कत हमारे को नहीं। मैनर के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ बातें और ऐड कर दी कि सर अभी हमारा जो है ना पेट भरा नहीं है, अभी हम आपके ऊपर और कुछ शर्तें भी लगाना चाहते हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूं क्या शर्तें लगाई गई। मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, ओवरव्यू देने के बाद आपको समझ में आएगा चैप्टर, अदरवाइज तो मैं आपको करा दूंगा, आपको समझ नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने कुछ हेड क्रिएट करे, बोला कि जी हम कुछ हेड बना रहे हैं। एक हेड को बोलेंगे मेजर हेड और एक को बोलेंगे माइनर हेड। जब आप कैश डिपॉजिट कराओगे, जब आप कैश डिपॉजिट कराओगे तो आप हमें बताओगे फॉर्म पे लिख के कि आपने कैश डिपॉजिट किस काम के लिए करवाया है। मतलब आईजीएसटी में आपने ये टैक्स की पेमेंट करनी है, तो आपने आईजीएसटी में ये पेमेंट करने के लिए बनाया। मैंने कहा जी मैं बैंक में जा रहा हूं, मैं बताऊंगा कि ये कैश मैंने जमा करवा रहा हूं आईजीएसटी के लिए। ये आईजीएसटी किसके लिए जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जाएगा। ये कैश जमा करवा रहा हूं, मैं बताऊंगा कि अकाउंट नंबर ये है उसका। अकाउंट नंबर क्या मतलब? कि भैया ये जो टैक्स है ये मैं टैक्स के लिए जमा करवा रहा हूं, या ये मैं टैक्स जमा करवा रहा हूं इंटरेस्ट के लिए जमा करवा रहा हूं, ये टैक्स मैं जमा करवा रहा हूं पेनल्टी के लिए जमा करवा रहा हूं। तो मैं बताऊंगा लिख के कि ये जो मैंने 1,000 रुपये पे करा है, मान लो मैंने 1,000 रुपये करा है, तो उसमें से 500 रुपये टैक्स के जमा कराए हैं, 250 रुपये इंटरेस्ट के हैं और 250 रुपये पेनल्टी के हैं। ये मैं आपको चालान पे लिख के बताऊंगा कि ये मैंने इस काम के लिए जमा करवा रहा हूं 1,000। तो इसको बोलते हैं मेजर हेड। मतलब मेजर हेड मतलब कि मैं आईजीएसटी वाले हेड में, आईजीएसटी वाले हेड में इंटरेस्ट के इतने रुपए दे रहा हूं, आईजीएसटी वाले हेड में टैक्स के इतने रुपए दे रहा हूं, आईजीएसटी वाले हेड में पेनल्टी इतनी दे रहा हूं, आईजीएसटी वाले हेड में लेट फीस इतनी दे रहा हूं। ऐसा क्यों किया गया? इस बात को सोचते हैं थोड़ा सा। ऐसा क्यों किया गया? हमारे देश में जब जीएसटी लो आया तो मोदी जी बात बोलते हैं बार बार, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। एक्चुअली में प्रैक्टिकली वन नेशन वन टैक्स नहीं है, एक्चुअली में नहीं है। यहां पे बंटवारा हो रहा है। जैसे मान लो एक घर है बहुत बड़ा आपका, तो दिखाने के लिए तो कहते हैं हम तो साथ में रहते हैं, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, हमारे में आपस में प्यार है, हमारा आपस में बड़ा प्यार है, मेलजोल है। बट आप घर में जाओगे ना तो एक बहू की रसोई ऊपर है, एक भाई की रसोई और ऊपर है, और एक की रसोई ग्राउंड फ्लोर पे। अलग अलग रसोई होने से पता लग जाता है कि इनके घर में प्यार नहीं है, क्योंकि इनकी रसोईयां अलग अलग है। इसी तरीके से गवर्नमेंट की रसोई अलग है। गवर्नमेंट कह रही है बाहर चिल्ला चिल्ला के वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, बट एक्चुअली में जाओगे इनके घर में अगर, तो इनके किचन अलग है। कहते हैं जी अगर आपको आईजीएसटी के घर से कुछ लेना है तो आईजीएसटी का अलग अलग घर है, अलग किचन है, सीजीएसटी का अलग किचन है, एसजीएसटी यूटीजीएसटी का अलग सामान है, अलग किचन है। तो कहने के लिए एक है, बट ये सारे काम आपके बैकएंड पे अलग अलग करवा रहे हैं आपसे, क्योंकि इनको अपना आपस में बंटवारा करना है, इनको अपना आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो काम इनको करना चाहिए। अब मान लो आप पहुंच गए जीएसटी डिपार्टमेंट में या गए चालान बनवाने,
आपने कहा ले जी 500 रुपए, ये लो 500 रुपए ले लो मेरे से, अपने आप बांट लेना, अपने आप जाके देख लेना क्या है, मैंने क्या दिया मुझे नहीं पता, आप अपने आपस में बांट लो। वो मतलब कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम खाली नहीं बैठे, आपने हमें 500 रुपए दे दिए हैं, अब इसको हम बांटेंगे नहीं अपने आप, आप हमें बांट के बताओ, आप हमें बांट के बताओ कि ये पैसा आपने किसके लिए दिया है, आपने पैसा जीएसटी के लिए दिया है, आपने पैसा एसजीएसटी के लिए दिया है, आपने एसजीएसटी के लिए, इतना भी काफी नहीं है, इतना भी काफी नहीं है, आप हमें ये भी बताओ कि ये पैसा आपने इसमें से कितना ब्याज का पैसा है, कितना टैक्स का पैसा है, कितना पेनल्टी का पैसा है, आप हमें बाइफरकेट करके बताओ 500 रुपए, ऐसे नहीं लेंगे आपके 500 रुपए हम। तो ये जो काम है ये हमसे कराया जा रहा है, स्टार्टिंग में करवाया जा रहा है कि आप हर पैसे को जो दे रहे हो उसको आप तोड़ के बताओ हमारे को कि ये पैसा आप हमारे क्यों दे रहे हो। तो इसीलिए इन हेड का निर्माण करवाया गया। उसके बाद हमने कैश डिपॉजिट कराया जी सीजीएसटी में, तो गवर्नमेंट ने बोला आप बताओ हमारे को कि सीजीएसटी में जो आपने टैक्स जमा कराया इसमें कितना टैक्स का है, कितना इंटरेस्ट का है, कितना पेनल्टी का है, कितना लेट फीस का है। उसके बाद आपने एसजीएसटी जमा करवाया तो इसका भी बताओ आप हमारे को, कितना पैसा किस किस को बिलोंग करता है ये आप हमारे को सारा बताओ। उसके बाद सेस का भी आप बताओ, कितना पैसा किस किस का है। तो बेसिकली जब आप कोई टैक्स की पेमेंट करोगे, कोई चालान क्रिएट करोगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसा किस हेड में जाएगा, मेजर हेड में किस हेड में जाएगा और माइनर हेड में किस हेड में जाएगा। यहां पे लोगों को बड़ी दिक्कत हुई, लोगों ने बोला हमने तो कैश जमा करा दिया है, गलती से हमारे अकाउंटेंट ने कैश जमा कराना था टैक्स के हेड में, जबकि करवा दिया, गलती से करवा दिया पेनल्टी इंटरेस्ट के हेड में। हमने कहा जी 100 रुपए जमा करवाना था यहां पे, मैंने गलती से यहां जमा करवा दिया और मुझे पता है कि मेरे को कभी भी ये मैंने जमा गलती से यहां करा दिया, वहां पे इंटरेस्ट के हेड में करा दिया, मेरे अकाउंटेंट को नॉलेज नहीं थी। कह रहे कैश का तो रंग रूप होता ही नहीं है, कैश तो कैश है, पेमेंट तो पेमेंट है, चाहे टैक्स में दे दो चाहे इंटरेस्ट में दे दो, पेमेंट तो पेमेंट, गवर्नमेंट को पेमेंट मिल गई है। ऐसे नहीं चलेगा जी, ऐसे नहीं चलेगा। हम आपने जो ये इंटरेस्ट पे कराया ना, अब हम इसको यूज नहीं करने देंगे, वी विल नॉट अलाउ टू यूज दिस, क्योंकि आपने गलत हेड में जमा करा दिया, आपने गलत बकेट में, गलत पॉकेट में पैसा डाल दिया। आपने कहा जी मैंने आपका पैसा डाला था इस पॉकेट में, डालना था इस पॉकेट में, गवर्नमेंट कही इस पॉकेट से निकालने का राइट नहीं है अब आपको, अब आप इसका रिफंड क्लेम करो, इसका रिफंड क्लेम कर लो, इसको यूज नहीं कर सकते टैक्स की पेमेंट के लिए, इसका रिफंड क्लेम कर लो। तो ऐसे प्रोविजन हुआ करता था कि लोग इसका तो रिफंड क्लेम करते थे, इसका रिफंड क्लेम करते थे और यहां जाके फ्रेश एक फ्रेश डिपॉजिट करते थे 100 रुपए का, जो गलती अकाउंटेंट ने करी थी, कहते थे दोबारा जाके जमा करा 100 रुपए और वो जो जमा कराया इंटरेस्ट उसको पहले रिफंड मांग, और रिफंड मांगे कहां जाना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे डिपार्टमेंट के, अब जाओगे डिपार्टमेंट के पैसे लेने, सर ये 100 रुपए गलती से जमा हो गए थे हमारे पिछले महीने, इसका प्लीज रिफंड दे दो आप। अरे रिफंड देना है आपको, लाओ पेपर लाओ, सारे पेपर पेपर दिखाओ सारे, इसका रिफंड है, कौन है मालिक बुलाओ उसको, ड्राइवर इतनी सजा दी होती थी कि रिफंड लेने के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते थे। लोग बड़े परेशान हुए इस चीज से कि सर ये बड़ी गलत बात है, हमने अपना ही पैसा जमा कराया है, गलती क्या हुई हमारे से, हमने इस बोतल में डाल दिया उस बोतल में डाल दिया, तो गलती हमारे से ये तो ये पैसा तो हमने आपको दिया है। तो गवर्नमेंट ने एक नया प्रोविजन इंसर्ट किया, गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको रिफंड के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। हमने कहा जी आपने एक पैसा यहां जमा कराना था, यहां जमा करा दिया, तो आप यहां से यहां ट्रांसफर कर सकते हो, दोबारा बोल रहा हूं ट्रांसफर कर सकते हो, यूटिलाइज नहीं कर सकते, यूटिलाइज ये प्रोविजन सेक्शन 49 के वैसे चलेंगे कि जिसकी पेमेंट है वहीं से यूटिलाइज होगा, यूटिलाइज के प्रोविजन चेंज नहीं हुए हैं। आप ये 100 रुपए यहां ट्रांसफर कर दो टैक्स वाले हेड में, और ये ट्रांसफर करने के लिए एक फॉर्म निकाला गया PMT09। एक काम करो, आप इतने धक्के खाते थे, आप जाते थे डिपार्टमेंट में बोलते थे ये रिफंड दे दो, ये दोबारा ले लो, ये रिफंड दे दो दोबारा ले लो, आप एक काम करो छोड़ो सारी बातें, बेकार की काम है, उन कागजों को छोड़ो, आप ऑनलाइन एक फॉर्म भर दो PMT09, उसमें बता दो हमारे को लिख के कि ये इंटरेस्ट का पैसा आपको कहां पहुंचाना है। आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट का पैसा मुझे यहां पहुंचाना है तो यहां भी पहुंच जाएगा,
आपको लग रहा है यहां पहुंचाना है तो यहां पहुंच जाएगा, आपको लग रहा है यहां पहुंचाना है तो यहां पहुंच जाएगा, जहां आप बोलोगे ये पहुंच जाएगा और इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर हो गया। एक सेक्शन और इंसर्ट किया गया और बोला गया कि अब जो ये ट्रांसफर होके पैसा आया है इसको मान लेंगे डीम्ड फ्रेश डिपॉजिट। बड़ी दिक्कत है लॉ के अंदर, लॉ बड़ा बारीक है। हमने कहा जी जो आपका ये पैसा ट्रांसफर हो गया यहां पे आया है इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे डीम फ्रेश डिपॉजिट हुआ है, ये मान लेंगे ये डिपॉजिट हो गया। और एक बात और डाली गई कि जो ये पैसा ट्रांसफर हो गया यहां से गया है इसको मान लेंगे डीम्ड रिफंड। जो काम आप जाके मैनुअल कर रहे थे वो काम हमने आपका छुट्टियों में एक फॉर्म भर के ऑनलाइन कर दिया। अब हमने जो प्रोसेस आपका पहले करते थे हम कहते पहले रिफंड ले लो बाद में अगर नया जमा करता हूं, हमने कहा जी नहीं नहीं हम एक फॉर्म निकाल रहे हैं तो हम इस फॉर्म जो हम जो ये डिपॉजिट करवा रहे हैं यहां ट्रांसफर कर रहे हैं ये क्या है ट्रांसफर है, तो इस ट्रांसफर करने को हम यहां मान लेंगे ये डीम फ्रेश डिपॉजिट हुआ है, नया डिपॉजिट हुआ है, और ये जो ट्रांसफर होके यहां से गया है इसको मान लेंगे ये आपका रिफंड हमने कर दिया, हम मान लेंगे रिफंड हो गया, ट्रांसफर नहीं हुआ ये मान लेंगे रिफंड हो गया। बड़ी लॉ की बड़ी ब्यूटी है, लॉ मेकर बहुत ब्यूटीफुली लॉ को ड्राफ्ट करते हैं क्योंकि लॉ पढ़ने वाले बहुत इसको मिसयूज कर देते हैं, इसलिए लॉ को बड़ा सुंदरता से ड्राफ्ट किया जाता है। तो इस सुंदरता से ड्राफ्ट किया कि जो आप यहां से यहां ट्रांसफर मारोगे, यहां जो ट्रांसफर मारोगे तो इसको हम मान लेंगे फ्रेश डिपॉजिट मान लेंगे, और यहां से मान लेंगे कि हमने आपको रिफंड कर दिया है। ये एक मेजर चैलेंज था जो लॉ मेकर ने समझा और लॉ मेकर ने लॉ को अमेंड किया और लॉ मेकर ने जो हमारे टैक्स पेयर है उसको थोड़ी सहूलियत दी। बट इस बात को ये ना समझा जाए कि यहां आपने डिपॉजिट करना था आपने यहां डिपॉजिट कर दिया तो यहां से डिपॉजिट करा हुआ 100 रुपए आप यहां यूज कर लोगे, ऐसा ना समझा जाए। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है, इसको यहां यूज नहीं कर रहे आप, इसको यहां यूज करना अलाउड नहीं है, इसको यहां यूटिलाइज करना अलाउड नहीं है, इसको यहां पे यूटिलाइज करना अलाउड नहीं है, बट इसको यहां ट्रांसफर करना अलाउड है। ट्रांसफर करने के बाद आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनेशन में आपका आ गया, एग्जामिनर ने बड़ी क्लेवरनेस से दोनों बातें पूछ ली। उसने बोला जी एक मिस्टर ए है उसने कुछ पैसा गलती से जमा करा दिया टैक्स की जगह इंटरेस्ट में और वो चाहता है जी मैं इस इंटरेस्ट को यूज कर लूं फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, बताओ ये स्टेटमेंट सही है गलत है। बच्चा बोलेगा ये स्टेटमेंट सही है, इसमें अमेंडमेंट आ गई है, ये स्टेटमेंट सही है। वाह, आपको लिख के ऐसा आना चाहिए था कि ये स्टेटमेंट गलत है, इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए हम टैक्स का यूटिलाइजेशन या टैक्स की पेमेंट के लिए हम इंटरेस्ट का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, बट हां ट्रांसफर का ऑप्शन गवर्नमेंट ने दे दिया है और ट्रांसफर के बाद हम उसको फिर टैक्स के जब ट्रांसफर हो जाएगा टैक्स में उसके बाद हम टैक्स से उसको ट्रांसफर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत माइन्यूट फर्क है बट हां डिफरेंस है। तो ये बातें कर ली दोस्तों हमने मेजर एंड माइनर हेड की। मेजर माइनर हेड क्यों बनाया गया? सर ये बनाया गया इसलिए ताकि गवर्नमेंट को सहूलियत लगे ये अपना डेटा बनाने में कि हमें कितना पैसा तो हमारे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट से रेवेन्यू आया है, कितना टैक्स रेवेन्यू आया है, कितना इंटरेस्ट से आया है, कितना पेनल्टी से आया है, कितना लिट फी से आया, गवर्नमेंट को अपने आंकड़े रहे गवर्नमेंट के पास उनके पास पूरा ग्राफ रहे कि कितना पैसा हमारे को इंटरेस्ट से आ रहा है। अगर हमने ऐसा नहीं करे अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो गवर्नमेंट को पता लगता ही नहीं कि हमें कितना पैसा कहां से आ रहा है, हमारा जो रेवेन्यू हो रहा है जीएसटी का उसमें कितना टैक्स का है, कितना इंटरेस्ट का है, कितना लेट फीस का है, ये कभी गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगता। इसलिए गवर्नमेंट ने रिपोर्टिंग लेवल पे ही आपके लेवल पे ही अलग अलग हेड बना के आपको दे दी। बेसिकली गवर्नमेंट अपना काम आपसे करवा रही है और सिस्टमेटिक काम करवाने के लिए ये काम करवाया जा रहा है। तो ये हो गया आपका मेजर हेड एंड माइनर हेड, आई होप आपको क्लियर हो गए। उसके बाद हम कुछ और बातें कर लेते हैं दोस्तों। अब हम कुछ लेजर्स की बात कर लेते हैं, जो लेजर गवर्नमेंट बनाती है उसकी बात हम कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिस्कस करते हैं दोस्तों।
लायबिलिटी लेजर। तीन तरह के लेजर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने पोर्टल पे आपके लिए बनाते हैं और ये लेजर होते हैं। पहला लेजर गवर्नमेंट बनाती है ई क्रेडिट लेजर, ई कैश लेजर और एक है ई लायबिलिटी लेजर। ये तीनों के तीनों लेजर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने पोर्टल पे आपके लिए बनाते हैं कि आपका कितना पैसा जमा है ई क्रेडिट लेजर में, जो आपको सेक्शन 16, 17, 18 से आया है, कितना आपने पास ई कैश में जमा कराया है चालान से या एनईएफटी आरटीजीएस से, और कितनी आपकी लायबिलिटी बनती है जो आपको गवर्नमेंट को पे करनी है। तो ये तीन तरह के लेजर मेंटेन किए जाते हैं। एक समझ लो आप एक तरह से, जैसे मान लो आप अपना खाता बनाते हो, गवर्नमेंट भी आपका खाता बनाती है। जैसे एक बंदा है मिस्टर ए, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसका एक खाता या उसका एक लेजर गवर्नमेंट के पास रहेगा कि हमें इससे क्या लेना है, क्या इसका हमारे पास जमा है। जमा दो रूप से है, या तो कैश के रूप में या क्रेडिट के रूप में, और क्या इसको हमें वापस करना है और क्या हमारे को इससे लेना है। तो तीन तरह के खाते गवर्नमेंट अपने पास आपके बनाती है, अपने पास आपका हिसाब किताब रखती है इन तीन लेजर के रूप में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कैश लेजर के, क्रेडिट लेजर के बारे में, क्योंकि इसके बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं। ई क्रेडिट लेजर क्या होता है? इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी मेंटेन बाय पीएमटी। ये आपको फॉर्म याद नहीं करने हैं, मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या आता है, क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये लेजर कहते हैं ना गवर्नमेंट के लेजर हैं, ये लेजर आप ही बना रही है, गवर्नमेंट बना रही है, तो जो चीज आपके लिए असेट है वो उनके लिए लायबिलिटी होगी। मैंने कहा जी एक मिस्टर ए है, एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मिस्टर ए ने कुछ परचेज करी तो वो एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट आईटीसी डेबिट टू पार्टी या टू बैंक, ये एंट्री करेगा तो ये आपको होगी परचेज और ये होगी आपकी असेट। अब आपके लिए वो असेट है बट गवर्नमेंट के लेजर में वो लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि जो चीज आपके लिए असेट है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में वो क्या होगी, लायबिलिटी होगी। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने बैंक में कुछ कैश डिपॉजिट किया तो वो कैश डिपॉजिट आपके लिए तो वो असेट है, आपकी पासबुक में डेबिट में आएगा, बट बैंक के अकाउंट में वो क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा, क्योंकि बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। आप पढ़ते होगे, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में बैंक रिकंसिलिएशन, वहां पे हम देखते थे कि हमारे लिए कोई कैश डिपॉजिट कराना असेट साइड में आता है, बट बैंक के लिए वो क्या आता है, बैंक के लिए वो क्रेडिट साइड में आता है, बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, क्योंकि हमारा कैश बैंक के लिए वो लायबिलिटी बन जाता है। तो इसी तरीके से जो असेट, जो हमारी असेट है वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, और जो हमारी लायबिलिटी है जो हमने आउटपुट टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को सेल के ऊपर, वो गवर्नमेंट के लिए असेट्स बन जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, जो हमारी असेट है वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, जो हमारी लायबिलिटी है वो गवर्नमेंट के लिए असेट होती है। इस तरह से आपको सोचना है तो आप गलती नहीं करोगे। अक्सर बच्चा इस चीज में गलती कर देता है, वो ध्यान नहीं रखता कि ये गवर्नमेंट के अकाउंट में लेजर बनाए जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट अपने पास आपके लेजर बना, तो गवर्नमेंट के लिए जो आपके लिए असेट है वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बन जाएगा। आप देखते हैं, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है। तो ई क्रेडिट लेजर में हम पैसा डालते हैं, जब हम सेक्शन 16 में, हम सेक्शन 17 में या सेक्शन 18 में जब आईटीसी लेते हैं, तो आईटीसी लेने पे हमारी क्या बनती है, असेट बनती है, तो गवर्नमेंट की कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये जो मैंने बताया आपको, हमारी असेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी, और गवर्नमेंट ने बोला जी जो आपने सेल्फ असेस किया है सेक्शन 16 में या फिर सेक्शन 17 18 में, जो आपने आईटीसी निकाला है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे लिए, हमें आपको देना है, आपके लिए वो असेट है, हमारे लिए वो लायबिलिटी में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद
मैंने कहा जी आपने कोई पेमेंट करनी है, ये पेमेंट आपके लिए क्या है, आपके लिए लायबिलिटी है, बट गवर्नमेंट के लिए ये असेट है, क्योंकि गवर्नमेंट जब आपसे पेमेंट लेगी आउटपुट टैक्स के ऊपर, जब पेमेंट लेगी आपसे तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा यहां पे, तो ये आप यहां पे लिख लो काट के, पेमेंट वर्ड नहीं है यहां पे, यहां वर्ड है आउटपुट टैक्स पेबल, आउटपुट टैक्स पेबल यहां पे आएगा। तो जब आप आउटपुट टैक्स पेबल होता है आपका, तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, आपका असेट साइड में आ जाएगा, जो आपका पेबल है वो उनके लिए असेट बन जाएगा। पेबल चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी, चाहे वो यूटीजीएसटी हो। आपने एक बात गौर की होगी, यहां पे टैक्स वाला अमाउंट है, यहां पे कहीं भी इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट, नो लेट फीस और नो पेनल्टी, क्योंकि एक ये क्या है, ये एक पवित्र आइटम है, इसका यूज सिर्फ टैक्स की पेमेंट के लिए होगा, इसका यूज कभी भी इंटरेस्ट के लिए, लेट फीस के लिए कभी इसका यूज हम नहीं कर सकते, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ यूज होगा ओनली एंड ओनली टैक्स की पेमेंट के लिए यूज होगा, इंटरेस्ट के लिए इसका यूज हम कभी भी नहीं करेंगे। उसके अलावा आपने कोई रिफंड क्लेम करा है तो वो भी आपका यहां पे आएगा, रिफंड क्लेम आपका रिजेक्ट हुआ है तो, रिजेक्ट हुआ है तो उस केस में वो आता है यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड में, क्योंकि रिफंड रिजेक्ट होने पे गवर्नमेंट आपको रिफंड रिजेक्ट कर रही है, मतलब रिफंड आपको नहीं दे रही है, फ्यूचर में देगी, फ्यूचर में देगी तो वो आपकी लायबिलिटी में खड़ा हो जाएगा। अगर आपने रिफंड कोई क्लेम करा है, रिफंड क्लेम करा है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए वो आपका क्या हो जाएगा, आपके यहाँ से पैसा निकल जाएगा, निकल जाने पे हम क्या करेंगे, आपको डेबिट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो रिफंड की एंट्री क्या करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंट्री करेगी रिफंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिफंड आपका डेबिट क्यों होगा, क्योंकि आपने रिफंड दिया है तो रिफंड आपका डेबिट में हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा, गवर्नमेंट के लेजर में हो जाएगा। तो जब आप फंस जाओ एग्जाम में तो आप अकाउंटिंग एंट्री कर लेना कि अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, अकाउंटिंग एंट्री से आपको समझ में आ जाएगा कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट लेजर में आपका ये आता है, आपका डेबिट में आता है आपका सारी की सारी पेबल, और क्रेडिट में आता है आपका आईटीसी जो आपने असेस किया है। क्लियर है जी, ये होगी बात आपकी क्रेडिट लेजर की। अब हम बात करते हैं कैश लेजर की। कैश लेजर में क्या होता है जी, ई कैश लेजर में आपका जो आप डिपॉजिट कराते हो टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का और एनी अदर अमाउंट, उसको हम डालते हैं ई कैश लेजर में। जो आप जमा कराते हो उसको हम, जो भी हम कैश जमा कराते हैं टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, जो भी हम कैश डिपॉजिट कराते हैं वो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी है, आपके लिए वो असेट है बट गवर्नमेंट के लिए वो लायबिलिटी है। इसी तरीके से अगर आप कोई पेमेंट करते हो टैक्स की, इंटरेस्ट की या पेनल्टी की, तो वो यहाँ पे आती है। उसके बाद आपने पेमेंट करी है आरसीएम की, तो वो यहाँ पे आती है, और आपने कोई रिफंड क्लेम करा है तो भी यहाँ पे आता है। बेसिकली आपका जो कैश में पैसा पड़ा था कैश में, वो आपने रिफंड ले लिया तो आपका यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए डेबिट हो जाता है। तो क्रेडिट में क्या होता है जी, जो आप कैश जमा करवाते हो, जो आप कैश निकालते हो, किसी भी रूप में कैश निकालते हो, यूटिलाइज करने के लिए निकालते हो, या आरसीएम पेमेंट निकालते हो, या कोई भी तरह की पेमेंट, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए हम गवर्नमेंट उसको डेबिट कर देती है। एक बात इसमें आप यहां पर ऐड कर लो, टीडीएस एंड टीसीएस, हालांकि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, जो गवर्नमेंट, जो वेंडर आपके सप्लायर आपका टीडीएस, टीटीएस काटते हैं, टीसीएस काटते हैं, वो जैसे आपका एग्जांपल के लिए इनकम टैक्स में आपका 26 ए में रिफ्लेक्ट करता है, इसी तरीके से जो टीडीएस है ये आपके कैश लेजर में, ई कैश लेजर में शो हो जाता है, ये आपके ई कैश लेजर में शो हो जाता है। इस बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बट आप समझ लो इतना कि जो आपका टीडीएस टीसीएस काटता है, जो सप्लायर काटता है, या जो ई कॉमर्स ऑपरेटर काटता है, वो आपके ई कैश लेजर में डिपॉजिट हो जाता है और गवर्नमेंट के लिए वो लायबिलिटी है। तो ये आपका हो गया ई कैश लेजर।
ई कैश लेजर में हमने क्रेडिट में क्या किया, जो हमने डिपॉजिट कराया बैंक को, जैसे हमने बैंक में कोई कैश डिपॉजिट कराया तो बैंक उसको अपने बैंक में क्रेडिट करते हैं क्योंकि उनके लिए वो लायबिलिटी है। और जब मैं कैश निकालता हूं या मैं उस कैश को यूज करता हूं किसी पेमेंट के लिए, ये मान लो मैंने अपना शॉपिंग का पेमेंट करने के लिए कैश यूज कर लिया, तो बैंक उसको क्या करता है, डेबिट कर देता है। तो इसी तरीके से जो मैंने कैश जमा कराया वो क्रेडिट हो गया, और जो मैंने पेमेंट यूज कर ली उसका, जो मैंने यूज कर लिया पेमेंट के लिए इंटरेस्ट के लिए, और आपने गौर किया होगा कैश लेजर से आई कैन पे एनीथिंग, आई कैन पे टैक्स ऑल्सो, आई कैन पे इंटरेस्ट ऑल्सो, आई कैन पे पेनल्टी ऑल्सो, आई कैन पे एनीथिंग। सो ई कैश लेजर के अंदर सारी चीज डेबिट हो सकती है, बट क्रेडिट लेजर में सिर्फ टैक्स डेबिट होगा। ई कैश लेजर में आप पेनल्टी भी डेबिट कर सकते हो, इंटरेस्ट भी पे कर सकते हो, और एनी अदर अमाउंट भी पे कर सकते हो, लेट फीस भी पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लेट फीस भी पे कर सकते हो, बट क्रेडिट लेजर में आपको पे करने का राइट है ओनली, आपको सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू पे ओनली, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमने समझ लिया इन दोनों में। अब हम बात करते हैं लायबिलिटी लेजर की, कि सर ये लायबिलिटी लेजर क्या होती है, व्हाट इज लायबिलिटी लेजर, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। व्हाट इज लायबिलिटी लेजर, अब समझते हैं ई लायबिलिटी लेजर में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो ई लायबिलिटी लेजर का मतलब समझ लो आप, कि ये लायबिलिटी लेजर अकाउंट बना रही है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट के पास ये बन रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास जब बन रहे हैं तो वो आपकी लायबिलिटी कब होगी बताओ, लायबिलिटी आपकी कब होगी, जब आप कोई पेमेंट करोगे अपनी रिटर्न में। तो कोई भी पेमेंट आप करोगे जो आपकी ड्यू है उसको हम लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे, जो आपकी रिटर्न के जरिए आ रही है, जो आपके रिटर्न के जरिए लायबिलिटी आ रही है उसको हम बोलेंगे आपकी क्रेडिट साइड में वो आएगी, ठीक है जी। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए वो क्या है, लायबिलिटी है, आपकी पेमेंट जो आपने पेमेंट करी है वो गवर्नमेंट के लिए वो क्या है, लायबिलिटी है। मैंने कहा जी आपने पेमेंट करी, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो जीएसटी की पेमेंट आपके लिए क्या है, आपके लिए असेट है, और गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये लायबिलिटी, ये आपने पेमेंट करी है अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर आपने पेमेंट करी है। तो जो आपने पेमेंट करी है वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगी, एक तरह से लायबिलिटी हो जाएगी। फिर मैंने कहा जी एक ऑफिसर है, ऑफिसर ने मेरी डिमांड निकाल दी और डिमांड में बोला आप जीएसटी पे करो, तो डिमांड ऑर्डर के जरिए ऑफिसर ने मेरी जीएसटी लायबिलिटी निकाल दी और मैंने वो जीएसटी लायबिलिटी पे कर दी। ये तो मैंने पे कर दी अपनी रिटर्न के अंदर, और ये डिमांड ऑर्डर निकाला जीएसटी डिपार्टमेंट ने, किसी भी कारण से कोई फ्रॉड किया था आपने, कोई आपने मिस स्टेटमेंट दी थी या आपने कोई टैक्स इग्नोर कर दिया था, तो डिमांड निकाल दी है। तो डिमांड और पेनल्टी भी जो हम पे करते हैं वो भी गवर्नमेंट की लायबिलिटी में आ जाती है। तो डिमांड यहां पे डिमांड आप लिख लो, नहीं एक मिनट, यहां पे डिमांड रिड्यूस वर्ड है, लेट मी क्लियर यू, यहां जो वर्ड है वो डिमांड रिड्यूस है। तो बेसिकली ये जो आपने पेमेंट करी है, ये पेमेंट होने पर इसको हमने किया है क्रेडिट, और ये डेबिट का मतलब होता है कि आपने जब पेबल अकाउंट निकल गया आपका, जो पेबल हो गया आपका, पेबल क्योंकि आपके गवर्नमेंट के लिए क्या है, पेबल आपका गवर्नमेंट के लिए क्या बन जाएगा, ये आपका गवर्नमेंट के लिए असेट बन जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को आपसे पैसा लेना है। जब गवर्नमेंट को आपको पैसा लेना है, किसका, टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, तो गवर्नमेंट के लिए वो असेट्स बन जाएगा। जब आपने उसकी एक्चुअली पेमेंट कर दी है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बन जाएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कोई डिमांड निकाली है गवर्नमेंट ने, तो डिमांड गवर्नमेंट ने निकाली है तो वो भी गवर्नमेंट के लिए क्या बन जाएगा, असेट्स बन जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को आपको डिमांड लेनी है। और उसके बाद कोई इंटरेस्ट है सेक्शन 50 के हिसाब से, तो वो भी आपका क्या बन जाएगा, लेना बन जाएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया CA इंटर पे, क्वेश्चन क्या आया कि व्हाट आर द डेबिट साइड ऑफ लायबिलिटी लेजर, और क्वेश्चन था 3 नंबर का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, व्हाट आर द डेबिट साइड ऑफ लायबिलिटी लेजर। तो आप बोलोगे अमाउंट
पेबल एज टैक्स इंटरेस्ट लेट फीस पहला, दूसरा एनी डिमांड एज डिटरमाइन बाय प्रॉपर ऑफिसर दूसरा, तीसरा आप बोलोगे इंटरेस्ट एक्रूड एज पर सेक्शन 50, जो मैं आपको भी कराऊंगा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है लेट फीस के ऊपर। तो तीन बातें जो हैं ये आपके डेबिट साइड में आती हैं, उसके अलावा जो आप पेमेंट करते हो और जो आप डिमांड रिड्यूस होती है फ्यूचर में, मान लो ये डिमांड निकाली मैंने 100 रुपए की और इसको रिड्यूस कर दिया मैंने 50 रुपए से, तो 50 रुपए मेरा कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो ध्यान रखना आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर द डेबिट साइड एंड व्हाट आर द क्रेडिट साइड ऑफ लायबिलिटी लेजर। सिंपल सिंपल फंडा है, सिंपल सिंपल फंडा है, कैश लेजर में जब आप डिपॉजिट कराते हो कैश तो गवर्नमेंट के लिए वो लायबिलिटी होता है, वो क्रेडिट साइड में आता है। जब आप कैश निकालते हो किसी भी रूप में, टैक्स के रूप में, पेमेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, लेट फीस के रूप में, तो वो गवर्नमेंट के डेबिट साइड में आ जाता है। पहली बात तो ये होगी क्लियर। दूसरी बात, क्रेडिट लेजर में जब आप सेक्शन 16, 17, 18 में ITC बुक कर लेते हो तो वो गवर्नमेंट के क्रेडिट साइड में आ जाता है, और जब आप उसको यूज कर लेते हो, यूटिलाइज कर लेते हो, उस क्रेडिट को यूज कर लेते हो, तो वो आपका कहां जाता है, वो आपका यूज हो जाता है, डेबिट साइड में आ जाता है। इसी तरीके से लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में आपका क्या आता है, जो भी आप डेबिट साइड में जो भी आप पेमेंट करते हो, जो आपका पेबल होता है डेबिट साइड में, सारा वो आता है, इंटरेस्ट पेबल, टैक्स पेबल, लेट फीस पेबल, फिर उसके बाद डिमांड, उसके बाद इंटरेस्ट, ये सारा पेबल में आता है। जब आप उसको एक्चुअली में पे कर देते हो तो वो आपका क्रेडिट साइड में आ जाता है। तो आपको जब आप एग्जाम में कभी आप फंस जाओ, आपको याद ना जाए, याद ना आए, तो आप अकाउंटिंग एंट्री कर लेना, जनरल एंट्री कर लेना, और जनरल एंट्री करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा डेबिट गवर्नमेंट का क्रेडिट, सिंपल सिंपल है, हमारा क्रेडिट गवर्नमेंट का डेबिट। इस तरह से आप जनरल एंट्री कर लोगे, जनरल एंट्री करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा डेबिट है वो गवर्नमेंट का क्रेडिट होगा, जो हमारा क्रेडिट है वो गवर्नमेंट का डेबिट होगा। तो ये तीनों लेजर हम गवर्नमेंट साइड की तरफ से बना रहे हैं, अपनी साइड से नहीं बना रहे, ध्यान रखना बस ये बात। तो ये हो गए हमारे तीन तरह के लेजर हम बनाते हैं। अब एक बार हम क्विकली ये सारा ओवरव्यू लेने के बाद, ये मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन पेमेंट ही अलाउड है, डेबिट कार्ड और इवन क्रेडिट कार्ड भी आप यूज कर सकते हो, इस तरह का क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है MCQ के अंदर। तो यहाँ पे MCQ आ सकता है कि कैन वी यूज क्रेडिट कार्ड, तो यस वी कैन यूज क्रेडिट कार्ड ऑल्सो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, उसके बाद 10,000 रुपये की जो लिमिट है ये पर चलान है, पर पीरियड है, और उसके बाद ये इसकी एक्सेप्शन भी क्या है, बाय द गवर्नमेंट डिमांड, ये लिख लो आप कहीं पे, और रेट। इस केस में हम 10,000 रुपये की लिमिट चेक नहीं करेंगे, यहीं पे आप इसकी नोटिंग कर लो ताकि आपको याद रहे। तो इस तरह से हमने अभी अपना ओवरव्यू ले लिया है। अब हम प्रोविजन पे आते हैं और प्रोविजन को समझते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द लीगल प्रोविजन गिवन इन दिस चैप्टर। हालांकि मैंने सब कुछ कवर करा दिया आपको, अब हम जैसे रीडिंग लगा के छोड़ रहे हैं। ओवरव्यू लेते हैं जी, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इसके अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है सेक्शन 49, पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में बात करता है ये। 49A जो आया है, यूटिलाइजेशन कैसे करना है ITC का, जो मैंने बताया आपको, पहले हमें IGST खत्म करना है, बाद में CGST, बाद में SGST और UTGST। उसके बाद ऑर्डर क्या रहेगा, इसके लिए नया सेक्शन आया है, किस ऑर्डर में आपको यूज करना है। इंटरेस्ट की बात करेंगे सेक्शन 50 के अंदर, और मैन ऑफ ट्रांसफर, ये बताया मैंने आपको कि हमें टैक्स का ट्रांसफर करना है इंटरेस्ट में, या हमें CGST अकाउंट पर ट्रांसफर करना है SGST अकाउंट में, तो ये ट्रांसफर का हमें नया सेक्शन आया है सेक्शन 53। उसके बाद सेक्शन 53A आया है, वो बात करता है सर्टेन अमाउंट ट्रांसफर। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे, और कुछ बातें कर चुके हैं, कुछ बातें अब करनी बाकी हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एंड अदर अमाउंट। एवरी डिपॉजिटेड
क्रेडिट टू ई कैश लेजर, कह रहे जो भी आप डिपॉजिट करोगे टूवर्ड्स टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस अदर फीस बाय इंटरनेट और बाय कैश, तो आपका कहाँ हो जाएगा क्रेडिट, वो आपका ई कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। उसके बाद जो भी आपका आईटीसी आएगा सेक्शन 16 से सेक्शन 18 से, जो भी आपका आईटीसी आएगा वो आपका कहाँ जाएगा, वो आपका क्रेडिट लेजर में चला जाएगा, ये बात भी हमें पता है। उसके बाद कह रहे हैं जी यूज क्या होगा, ई कैश लेजर का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, टैक्स की पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, पेनल्टी के लिए भी, लेट फीस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने बोला जी इसका यूज हम किसी भी काम के लिए कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा ही पैसा है, ये बात लिखी हुई है सबसेक्शन 3 में। उसके बाद हमें यूज करना है क्रेडिट लेजर, क्रेडिट लेजर को यूज करने की जो बात है इसका यूज हम कर सकते हैं ओनली किस काम के लिए, ओनली मेकिंग आउटपुट टैक्स। यहां पे भी एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन ये पूछ लिया जी एक पर्सन है उसको कोई पेमेंट करनी है आरसीएम की, आरसीएम क्या होता है जी रिवर्स चार्ज में पे होता है जो रेसिपिएंट करता है, तो उसको पेमेंट करनी है आरसीएम की, क्या वो अपना क्रेडिट लेजर यूज कर सकता है, आरसीएम की पेमेंट के लिए क्रेडिट लेजर यूज कर सकता है, ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको यहां लिखना है कि आउटपुट टैक्स के अंदर आरसीएम वाला टैक्स नहीं आता क्योंकि जो आरसीएम वाला टैक्स है ये आपका होता है इनवर्ड सप्लाई पे, इसलिए आउटपुट टैक्स होता है सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई पे, इसलिए आरसीएम वाला टैक्स क्रेडिट से पे नहीं होता, आरसीएम वाले टैक्स के लिए आपको हमेशा कैश लेजर यूज करना होता है। दिखाऊंगा आपको मैं क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, तो आपको आंसर देना था कि आरसीएम टैक्स अंडर आरसीएम कैन नॉट बी पेड बाय यूजिंग क्रेडिट लेजर, इट हैज टू बी पेड बाय यूजिंग ई कैश लेजर ओनली बिकॉज आउटपुट टैक्स इंक्लूड्स ओनली टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, इट डज नॉट इंक्लूड टैक्स अंडर आरसीएम। इस तरह से आपको आंसर करके आना था, तो ये आप लिख लो इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बताया कि हम बताते हैं आपको सिक्वेंस क्या रहेगा हमारा, तो सीक्वेंस में पहली रैंकिंग लिख लो आप आईजीएसटी की, ये हम बात कर रहे हैं इनपुट की, ये हम बात कर रहे हैं इनपुट की, तो इनपुट में पहली रैंकिंग लिख लो, नंबर वन रैंकिंग रहेगी, पहले इसको खत्म करना है, मैं लिखता हूं हिंदी में खत्म करो, पहले हमें आईजीएसटी के इनपुट को यूज करके खत्म करना है। और कैसे खत्म करना है जी, पहले आप यूज करोगे आईजीएसटी के आउटपुट के लिए, ये आउटपुट है, आउटपुट के लिए जो आपने आउटपुट टैक्स पे करना है, फिर आप यूज करोगे बैलेंस सीजीएसटी के लिए, फिर आप यूज करोगे एसजीएसटी के लिए। और एक बात और लिखी लॉ ने कि एसजीएसटी यूटीजीसी में किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हो, मतलब कि मान लो मेरे को 100 रुपये आईजीएसटी लेना है, इनपुट लेना है, मेरे को पेमेंट करनी है, तो मैंने 50 रुपये यहाँ यूज कर लिया और मेरा बचा 50 रुपये, यहाँ पड़ा हुआ है 50 रुपये, 100 रुपये पड़ा हुआ है, तो 100 रुपये में से मैंने आईजीएसटी आउटपुट के लिए 50 रुपये यूज कर लिया, अब बैलेंस पड़ा हुआ है 50 रुपये आईजीएसटी का, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप किसी भी ऑर्डर में इसको किसी भी प्रोपोर्शनलिटी में यूज कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 25 यहाँ पे और 25 यहाँ पे यूज कर लो, तो आप किसी भी ऑर्डर में इसको यूज कर सकते हो, ये बात भी लिखी हुई आगे, ऑर्डर कोई भी हो सकता है। तो पहले रैंकिंग हो गई हमारी आईजीएसटी की, आईजीएसटी को यूज करेंगे पहले आईजीएसटी की पेमेंट के लिए, फिर हम सीजीएसटी की पेमेंट के लिए, फिर हम एसजीएसटी की पेमेंट के लिए। इसको मैं आपको और अच्छी क्लैरिटी दूंगा क्वेश्चन के साथ, आपको और अच्छा समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा ये हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड रैंकिंग हो गई हमारी सीजीएसटी की, सीजीएसटी को यूज कर हम कर सकते हैं किसकी पेमेंट के लिए, पहले हम यूज कर सकते हैं सीजीएसटी के लिए, फिर हम यूज कर सकते हैं आईजीएसटी के लिए।
एसजीएसटी के लिए हम यूज नहीं कर सकते। ये जो टैक्स है ये मोदी जी का है और ये टैक्स है केजरीवाल जी का। मोदी जी के टैक्स को केजरीवाल से यूज नहीं कर सकते, केजरीवाल के टैक्स को मोदी जी से यूज नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना इन दोनों का आपस में झगड़ा रहता है। इसका टैक्स इससे यूज नहीं होगा, इसका टैक्स इससे यूज नहीं होगा, मतलब सेंट्रल का टैक्स एस से यूज नहीं होगा और स्टेट का टैक्स सेंट्रल से यूज नहीं होगा। इसी तरीके से यूटीजीएसटी का भी, यूटीजीएसटी का टैक्स भी सेंट्रल से यूज नहीं होता है और सेंट्रल का टैक्स यूटीजीएसटी से नहीं यूज होता है। तो ध्यान रखना सेंट्रल स्टेट का टैक्स आपस में सेट ऑफ या एडजस्टमेंट नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स पहले यूज होगा स्टेट की पेमेंट के लिए, बाद में यूज होगा आईजीएसटी की पेमेंट के लिए। तो आईजीएसटी के में क्योंकि दोनों टैक्स इंक्लूड होते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसलिए आईजीएसटी की हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, आईजीएसटी को कहीं भी यूज कर सकते हैं और आईजीएसटी की पेमेंट के लिए हम कोई भी टैक्स यूज कर सकते हैं। एक बात यहां पे ऐड की गई, हाउएवर आईटीसी ऑफ एसजीएसटी यूटी शुड बी यूटिलाइज आफ्टर द पेमेंट ऑफ आईटीसी ऑफ सीजीएसटी। ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन के साथ में। ये क्या कहना चाह रहा है जी, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास आईजीएसटी है, आपके पास आईजीएसटी है आपके पास आईजीएसटी है इनपुट है ये आपके पास सीजीएसटी है आपके पास एसजीएसटी है ये आपके पास पड़े हुए हैं इनपुट, ये इनपुट पड़े हुए हैं आपके पास। गवर्नमेंट कह रही है पहले इसको यूज करो फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, पहले इसको यूज करो आईजीएसटी की पेमेंट के लिए, फिर इसको यूज करो एसजीएसटी की पेमेंट के लिए, फिर इसको यूज करो सीजीएसटी एसजीएसटी के पेमेंट के लिए इसको यूज करना है। ये बात गवर्नमेंट ने बोली। गवर्नमेंट कह रही है जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहां पे अगर मान लो आपका यहां पे कोई बैलेंस बच जाता है, यहां पे कोई बैलेंस बच जाता है तो पहले इसको यूज करना है सीजीएसटी की पेमेंट के लिए। ये बात यहां पे लिखी हुई है कि आईटीसी आईजीएसटी की जो बैलेंस पेमेंट है, आईजीएसटी का जो यूज है वो पहले आपको यूज करना है सीजीएसटी के लिए यूज करना है। आईजीएसटी का पहले सेट ऑफ सीजीएसटी में होगा, बाद में बैलेंस होगा यहां पे। यहां पे जो आपका बैलेंस बच गया है, मान लो है बैलेंस बच गया है आईजीएसटी का, वो भी इनपुट का सारी पेमेंट का, तो बैलेंस जो होगा वो आपको हमेशा पहले यूज करना है इन दोनों के लिए। तो पहले आप यूज करोगे, यहां पे यूज करोगे, तो बेसिकली आईजीएसटी का जो यूज है पहले वो इसमें होगा बाद में इसमें होगा, ये ऑर्डर हमें मेंटेन रखना है इस तरीके से। इस ऑर्डर को हमें नहीं भूलना, पहले आईजीएसटी का यूज करना है, फिर सीजीएसटी का, फिर सेंट्रल का यूज स्टेट का यूज करना है। तो इसको हम और एग्जांपल से समझेंगे, हमारी क्लैरिटी और बढ़ेगी। मैं दोबारा इस पॉइंट पे मैं दोबारा आऊंगा और बताऊंगा जी इस पॉइंट का क्या मीनिंग है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे दोबारा आऊंगा मैं अपने क्वेश्चन के टाइम पर। यूटीजीएसटी भी सेम एस की तरह होता है, पहले ही होगा यूटीजीएसटी के लिए, बाद में होगा आईजीएसटी के लिए यूज। तो ये हमारा मैनर यूज बताया है गवर्नमेंट ने। ये मैनर क्यों बताया है, ये मैनर इसलिए बताया है कि आपको ऐसे ऐसे यूज करना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गवर्नमेंट ने इसको। वैसे तो होना ही चाहिए था वन नेशन वन टैक्स, बट इसको हमने इसलिए मैनर बनाया है ताकि हमारा आईजीएसटी खत्म हो जाए पहले, क्योंकि हम आईजीएसटी को बांटना है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इसलिए पहले ये खत्म हो जाए इसलिए ये मैनर बनाया गया है। अदरवाइज क्या होता था कि लोग आईजीएसटी को यूज ही नहीं करते थे, कह रहे ये तो बाद में यूज कर लेंगे, तो हमारा हथियार है, ये तो बाद में इस्तेमाल कर लेंगे हम, क्योंकि ये तो कहीं भी यूज हो जाएगा। तो इस तरह से लोग आईजीएसटी को यूज ही नहीं करते थे और छोड़ देते थे। तो गवर्नमेंट वाला पहले आप आईजीएसटी को खत्म करो, पहले आईजीएसटी को खत्म करो, उसके बाद आप सी और एस की बात करना। आगे चलते हैं दोस्तों, जो बैलेंस होगा आपका ई कैश लेजर में,
जो बैलेंस होगा या क्रेडिट लेजर में वो आपका रिफंड हो जाता है, और ये रिफंड होगा एज पर सेक्शन 54 के हिसाब से। कैश लेजर आपका रिफंड हर केस में हो जाता है। आईटीसी रिफंड लेने के लिए सेक्शन 54 की कुछ बातें माननी होती हैं। बेसिकली आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं फिर भी। क्रेडिट लेजर रिफंड होता है सिर्फ दो केस में, या तो आपने एक्सपोर्ट किया हो, या आपने एक्सपोर्ट किया हो, या आपने सप्लाई की हो, जीरो रेटेड सप्लाई की हो, जीरो रेट सप्लाई की हो आपने, या फिर आपने सप्लाई की हो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। आपके कोर्स का पार्ट नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर दो, मैं आपको नॉलेज के बता रहा हूं। दो केस में हमारे को आईटीसी का रिफंड मिलता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर या फिर एक्सपोर्ट वाले केस में। उसके अलावा आपको आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता। आपको याद नहीं करना, मैं आपको बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आपके आपके काम नहीं आएगा ये, अभी नहीं आएगा, फाइनल में आएगा। तो कैश का और क्रेडिट का रिफंड हमें मिल जाता है जो हमारा बैलेंस पड़ा होता है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ई लाइबिलिटी लेजर, ये आपका बनाया जाता है, ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखी हुई बात ऑर्डर की, कि ऑर्डर कैसे रहेगा जी, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ऑर्डर कैसे रहेगा। गवर्नमेंट ने ये बोला कि पहले आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स को जो भी पिछले साल का है उसको एडजस्ट करोगे, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपका करंट ईयर का एडजस्ट होगा। अब जैसे मान लो मुझे किसी बंदे से पैसे लेने हैं और मैं उसको पैसे लेने गया, मेरा पहले का पैसा था एक लाख रुपए पिछले साल का, और इस साल का पैसा है 1 लाख रुपए, वो मुझे कह रहा है ये ले यार मुझसे ना, तू ये ले ले 50,000 रुपए ले ले, तो मैं बोलूंगा ये 50,000 पहले वाला है या आज वाला है, तो बोलेगा ये पहले वाला है, ऑब्वियसली पहले वाला है, पहले वाला जो पैसा है, जो मेरा पहले वाला लोन है वो पहले चुकाऊंगा मैं, जो मेरा लोन पहले से चलता आ रहा है पहले वो माना जाएगा कि पहले मैंने वो पे करा है, बाद में मैंने करंट वाला करा है, तो प्रीवियस ईयर का लोन, प्रीवियस ईयर का टैक्स जो आपका ड्यू होगा पहले हम उसको पे कराएंगे कैश लेजर से, उसके बाद फिर हमारा जो करंट ईयर का टैक्स है उसके बाद उसका नंबर आएगा। उसी तरीके से अगर कोई डिपार्टमेंट ने डिमांड निकाली है सेक्शन 73 और 74 में, कोई डिमांड गवर्नमेंट ने निकाली है, तो उसको भी हम लास्ट में यूज करेंगे। तो पहली रैंकिंग हो गई प्रीवियस ईयर की, दूसरी हो गई करंट ईयर की, और तीसरी रैंकिंग हो गई आपकी गवर्नमेंट ऑफिसर की डिमांड की। इस सिक्वेंस में आपको टैक्स का यूज करना है। ये बिल्कुल लॉजिकल बात है कि पहले पेमेंट हम उसी को मानते हैं जो पहले ड्यू था, इसको बोलते हैं हम मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो पहले ड्यू था पहले उसको पे करेंगे, जो बाद में ड्यू है उसको बाद में पे करेंगे, और जो डिमांड आई है उसको हम लास्ट में पे करेंगे। एक बात यहां पे लॉ में लिखी हुई है, डीम इफेक्ट। डीम इफेक्ट का मतलब होता है कि मान लिया जाएगा कि आपने टैक्स का इंसिडेंट पास कर दिया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये एक सप्लायर है, एक सप्लायर ने एक रेसिपिएंट को सप्लाई करी, रेसिपिएंट ने इसको 100 रुपए प्लस 18 रुपए का टैक्स पे कर दिया, और इसने ये पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया गवर्नमेंट को, ठीक है जी। तो ये जो डिपॉजिट कराया है, ये आपको डिपॉजिट कराया है या तो कैश के द्वारा या क्रेडिट के द्वारा, जो इसने परचेज करी होगी उसमें जो उसने आईटीसी पे करा होगा, या तो उसके द्वारा पे करा है या फिर कैश के द्वारा पे किया है। गवर्नमेंट कह रही है जी हम अज्यूम करते हैं कि 18 रुपए, जो 18 रुपए आपने गवर्नमेंट को दिए हैं, इसका बर्डन आपने इसको पास कर दिया है, मतलब आर ने आपको ये 18 रुपए पे कर दिए, ये हम अज्यूम करेंगे। ये अज्यूम क्यों कर रहे हो सर आप, क्या जरूरत है अज्यूम करने की? क्योंकि हमारा जीएसटी लॉ ये मानता है कि जो टैक्स का बर्डन है फाइनल वो कंज्यूमर ही पे करेगा, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि जो ये 18 रुपए आपने पे करे हैं गवर्नमेंट को जमा कराए हैं, ये आपने इससे ले लिए मिस्टर आर से, मतलब रेसिपिएंट से आपने कवर कर लिए हैं, रिकवर कर लिए हैं, ये हम अज्यूम करके चलेंगे कि आपने बर्डन पास कर दिया है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट।
किसी और के पैसे से आप अमीर नहीं हो सकते। मतलब हम मान लेंगे अगर आप फ्यूचर में ये पैसा रिफंड मांग रहे हो, फ्यूचर में आप रिफंड मांग रहे हो, तो रिफंड आपको तभी देंगे जब आप ये टेस्ट पास कर लोगे, अनजस्ट एनरिचमेंट। किसी दूसरे के पैसे से आप अमीर नहीं बन सकते। ये टैक्स का जो पैसा है ये दिया है मिस्टर आर ने, तो इसका रिफंड भी मिस्टर आर को ही मिलेगा। फ्यूचर में किसी भी कारण से अगर इसका टैक्स निकलता है, रिफंड निकलता है, मान लो ये टैक्स था आपका 12% और आपने चार्ज कर लिया 18% और आप गवर्नमेंट के पास जाओगे 2 साल बाद कि सर ये 6% मैंने ज़्यादा चार्ज कर लिया है, ये मुझे रिफंड दिया जाए, गवर्नमेंट बोलेगी ये पैसा किसने दिया है, आप बोलोगे मैंने दिया है सर, ये पैसा तो मैंने दिया है, ये आपको मैंने जमा कराया है पैसा, गवर्नमेंट बोलेगी ये पैसा आपने जमा नहीं कराया, ये पैसा तो रेसिपिएंट से आया था, आप भूल रहे हो, ये पैसा रेसिपिएंट ने दिया है, ये पैसा रेसिपिएंट के बर्डन रेसिपिएंट ने लिया है इसका, इसीलिए ये जो पैसा आप रेसिपिएंट ने दिया है इसका रिफंड हम आपको नहीं देंगे, ये अनजस्ट एनरिचमेंट है। मतलब बिना मतलब कि आप अमीर बनना चाह रहे हो, ये 6% का रिफंड हम आर को ही देंगे, आपको नहीं देंगे, क्योंकि आपने पैसा एक्चुअली में नहीं दिया, ये पैसा तो आर ने ही दिया था, आप तो खाली एजेंट हो, आपने तो आर से लेके पैसा गवर्नमेंट को जमा कराया है। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हम मान लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि सप्लायर ने टैक्स का बर्डन रेसिपेंट को पास ऑन कर दिया है और रेसिपेंट ने वो टैक्स का पैसा सप्लायर को दे दिया, ये हम अज्यूम करके चलेंगे। उसके बाद ट्रांसफर की बात लिखी हुई है जी। ट्रांसफर जो होगा आप कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी हेड से पैसा किसी और हेड में डालना है तो ट्रांसफर हो जाएगा और हम रिफंड मान लेंगे कि उस हेड से वो रिफंड हो गया है और जहां ट्रांसफर हुआ है वहां फ्रेश डिपॉजिट हो गया है। तो ये बात भी लिखी हुई है, डीम डिपॉजिट हम मान लेंगे वो फ्रेश डिपॉजिट हो गया, ये आपको एग्जांपल में दिया था, यहां पे आपको याद होगा एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं यहां पे कि हम मान लेंगे अगर हमने यहां से यहां कोई ट्रांसफर किया है तो यहां से तो हम मान लेंगे, यहां मान लेंगे कि फ्रेश डिपॉजिट है, यहां मान लेंगे यहां से रिफंड हो गया है, ये वाली बात यहां पे लिखी हुई है इंग्लिश में, ठीक है जी। तो ट्रांसफर अलाउड है, अगर हमें ट्रांसफर करना है सीजीएसटी से एसजीएसटी से सीजीएसटी में तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हमें इंटरेस्ट से ट्रांसफर करना है टैक्स में तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आप ट्रांसफर करोगे तो यहां मान लेंगे फ्रेश ट्रांसफर और यहां मान लेंगे यहां से रिफंड हो गया है, ये बात यहां पे इस तरह से लिखी हुई है। उसके बाद यहां पे दिए गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन कि आपका टैक्स ड्यू का मतलब होता है इसके अंदर इंटरेस्ट फीस पेनल्टी नहीं आती, अदर ड्यू में क्या आता है आपका इंटरेस्ट पेनल्टी आती है। टैक्स हमेशा पे होता है, हमेशा कैश पे होगा और ये आपके दोनों कैश में पे हो सकते हैं और टैक्स हमेशा पे होगा ओनली क्रेडिट से सिर्फ टैक्स ही पे हो सकता है, इंटरेस्ट पे नहीं हो सकता। मतलब क्रेडिट को यूज करने के लिए आप टैक्स पे कर सकते हो, इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, बट कैश की को यूज आप दोनों के लिए कर सकते हो, टैक्स के लिए भी और इंटरेस्ट के लिए भी, ठीक है जी। उसके बाद नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करा गया, मैंने आपको बताया था कि आईटीसी का पहले हम यूज करेंगे और पहले हम क्या करेंगे आईजीएसटी को फुल्ली कंज्यूम करेंगे, जो हमारा इनपुट आईजीएसटी है जब तक ये पूरा कंज्यूम नहीं होता, फुल्ली कंज्यूम नहीं होता, हम कोई भी क्रेडिट नहीं लेंगे, पहले इसको फुल्ली कंज्यूम करना है उसके बाद ही हमें कोई क्रेडिट मिलेगा, ये बात यहां पर लिखी हुई है। उसके बाद ये बात लिखी गई कि ऑर्डर क्या रहेगा, तो गवर्नमेंट ने बोला ऑर्डर के लिए कोई भी ऑर्डर आप यूज कर सकते हो, आईजीएसटी का जो बैलेंस अमाउंट बचेगा, आईजीएसटी का जो आपका बैलेंस अमाउंट बचेगा, मान लो आपका आईजीएसटी का बैलेंस बच गया इनपुट का, तो उसको आप यूज कर सकते हो सी में और एस में। तो ये जो ऑर्डर है ये प्रपोर्शन कोई भी हो सकता है, तो ये इट मे बी एनी ऑर्डर और एनी प्रपोर्शनेट, किसी भी प्रपोर्शन में आप बैलेंस आईजीएसटी को सी में और एस में यूज कर सकते हो, ये वाली बात यहां पे
लिखी हुई है। कराऊंगा मैं क्वेश्चन से कराऊंगा आपको, आपको ज्यादा क्लैरिटी क्वेश्चन से होगी। ये हम पढ़ चुके हैं क्रेडिट लेजर कैश लेजर। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ ऐसी टर्म्स जो हमारे को पता होनी चाहिए। जब हम कोई चलान क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के पोर्टल पर, जब हम कोई चलान क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले चलान क्रिएट होता है हमारे पोर्टल पर, और पोर्टल पे चलान क्रिएट होता है, ये होता है 14 डिजिट का। इसमें कुछ कॉम्बिनेशन हमारे डेट के होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन हमारे GST के होते हैं। ये चलान हमारा पोर्टल पे क्रिएट हो गया, इसको बोलते हैं कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, CPIN बोलते हैं इसको। जो पोर्टल पे चलान क्रिएट हुआ है, अभी हम बैंक में नहीं गए, अभी हम गेटवे में नहीं गए, पेमेंट गेटवे भी नहीं गए, अभी तो हमने चलान क्रिएट करा है अपने पोर्टल पर, तो ये चलान को बोलते हैं कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपका पोर्टल पर चलान क्रिएट हो गया। और ये चलान वैलिड रहता है 15 दिन तक। एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने यहां से भी पूछ लिया, उसने पूछा जी मैनुअल चलान अलाउड है, तो आप बोलोगे नो मैनुअल चलान इज नॉट अलाउड। फिर उसने बोला चलान जो आप बनाते हो वो उसकी वैलिडिटी क्या रहती है, तो आप बोलोगे वैलिडिटी रहती है 15 दिन तक वो चलान वैलिड रहते हैं। ये एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन भी आपका थ्योरी में पूछ लिया आपसे, इंपॉर्टेंट है। पोर्टल पे आपने चलान क्रिएट कर दिया, चलान क्रिएट करने के बाद फिर आप पेमेंट गेटवे पे जाते हो और आप पेमेंट कर देते हो। जब आप पेमेंट कर देते हो, पेमेंट करने के बाद क्या होता है, बैंक अपने कुछ कोड इसमें ऐड कर देता है। वो कहता है जी 14 डिजिट तो आपके पहले से आ रहे हैं, मैं इसमें 3 डिजिट अपने ऐड कर देता हूं ताकि ये पता लग जाए कि ये पेमेंट मेरे बैंक से हुई है। बेसिकली बैंक अपने कुछ कोड डाल देता है उसके अंदर ताकि ये पता लग जाए फ्यूचर में कि ये पेमेंट, ये चलान की पेमेंट किस बैंक से हुई है। तो बैंक चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं इसको, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर बोला जाता है इसको, जो कि बैंक बनाता है जब आप पेमेंट कर देते हो। और पेमेंट करने के बाद ये हो जाते हैं 17 डिजिट के कोड में कन्वर्ट हो जाता है। बैंक इसके अंदर CPIN के अंदर अपने 3 डिजिट डाल दे ताकि ये पता लग जाए फ्यूचर में कि कौन से बैंक से पेमेंट हुई है, ठीक है जी। तो CIN जनरेटेड बाय ऑथराइज्ड बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड जब एक्चुअली पेमेंट इनको मिल जाती है तो ये आपका पैसा अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। मैंने कहा जी मैंने पेमेंट करी 1 तारीख को और मैंने पेमेंट कर दी, तो जब ये चलान क्रिएट हो जाएगा और बैंक के अकाउंट में, किसके, गवर्नमेंट के अकाउंट में ये पैसा पहुंच जाएगा, क्रेडिट टू गवर्नमेंट, तो हम मान लेंगे कि आपका कैश डिपॉजिट हो गया। जब तक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होगा, जब तक बैंक गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेगा, हम उसको कैश डिपॉजिट नहीं मानते। ध्यान रखना, गलती मत करना ये, जब तक आपके बैंक अकाउंट से कट गया तो उसको हम कैश डिपॉजिट नहीं मानते। जब तक आपके गवर्नमेंट के अकाउंट में वो क्रेडिट हो गया पैसा, तब तक हम उसको कैश डिपॉजिट नहीं मानते। तो गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाने के बाद ही हम ये जो है आपको नंबर प्रोवाइड करते हैं। ये बातें हो गई चलान से संबंधित कि चलान बनाते हुए हमें 2 तरह के नंबर मिलते हैं। उसके बाद ये बात भी चलान से संबंधित है, इसमें लिखा हुआ है कि बैंक अपना एक रेफरेंस नंबर भी देता है, ट्रांजैक्शन नंबर भी देता है कि ये पेमेंट हो गई है। तो ये तो बात हो गई गवर्नमेंट के चलान की बार, कि भाई गवर्नमेंट के चलान के अंदर 2 होते हैं, CPIN और SIN। CPIN पोर्टल पे क्रिएट होता है 14 डिजिट का और CIN होता है बैंक के 3 डिजिट उसमें ऐड हो जाते हैं। उसके बाद बैंक भी अपना एक चलान देता है आपको, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर। तो बैंक रेफरेंस नंबर एडिशनल डाला जाता है, लाइक RTGS नंबर, NFT नंबर। तो बैंक अपने एक रेफरेंस नंबर देता है उस चलान के ऊपर। जैसे मान लो ये चलान है आपका, ये आपका चलान है, तो चलान के ऊपर पहले आता है आपका CPIN नंबर होता है आपका, ये होता है आपका 14 डिजिट का। फिर उसके बाद होता है आपका SIN नंबर जो होता है, ये होता है आपका 14 प्लस 3 डिजिट का। उसके बाद आपका होता है लास्ट में BRN नंबर। ये आपका होता है बैंक
रेफरेंस नंबर, ये आपका चालान पे लिखा होता है ताकि ये पता लगे कि ये बैंक ने कौन सी पेमेंट किस दिन करी है। तो ये तीन तरह के नंबर आपके होते हैं जो आपके लिखे होते हैं। तो उसके बाद है ईपीएफ। ईपीएफ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। हर एक बैंक को अपना एक ब्रांच ऑथराइज करनी होती है टू कलेक्ट जीएसटी पेमेंट। बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जब हम पेमेंट करते हैं तो हर एक बैंक, मान लो एक बैंक है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक डेडिकेटेडली अपनी एक ब्रांच को ऑथराइज करेगी कि जितनी भी जीएसटी की पेमेंट आएगी वो जीएसटी की पेमेंट आपको गवर्नमेंट को पहुंचानी है, और गवर्नमेंट को पहुंचानी है सेंट्रल को और स्टेट को, उसके कोड में ये पहुंचाने का तरीका जो है। तो इनके अलग अलग अकाउंट बने होते हैं, सेंट्रल का अलग अकाउंट है, स्टेट का अलग अकाउंट है। तो बैंक की जिम्मेवारी है कि बैंक की जो बात पेमेंट आई है वो ब्रांच ये सारा मैटर जीएसटी का गवर्नमेंट के खाते में डाल दे। और खाते में ऐसे नहीं डालना कि सारा डाल दिया उठा के, सेंटर का सेंटर को देना है, स्टेट का सेंटर को देना है। तो ये एक तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक फोकल ब्रांचेस होती हैं जो ये वाला काम करती हैं, जीएसटी को सही अकाउंट में डालने का काम करती हैं, जीएसटी को सही स्टेट के अकाउंट में, सही सेंट्रल अकाउंट में डालने का काम करती हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट। बाकी एक रीडिंग लगा छोड़ देना। उसके बाद फीचर ऑफ चलान। आजकल कोई भी चलान मैनुअल अलाउड नहीं है, आपको चलान पोर्टल पे ही बनाना पड़ेगा। एक सिंगल चलान में आप सारे टैक्स पे कर सकते हो, सिंगल चलान में आप टैक्स इंटरेस्ट, बट उसका कोड अलग डालना है, आपको कोड अलग डालना है, बट आप एक चलान में सारे टैक्स पे कर सकते हो। चलान की वैलिडिटी रहेगी 15 दिन तक, ठीक है जी। और जो आपने कमीशन बैंक ने लिया आपसे वो आप अलग से पे करोगे। जैसे मान लो बैंक ने अपना कमीशन चार्ज करा 10 रुपए का, तो ये 10 रुपए कौन देगा? गवर्नमेंट नहीं देगी, ये कौन देगा? टैक्स पेयर देगा। जो कमीशन दिया आपने बैंक को टू पे मेगा ऑनलाइन पेमेंट, ये 10 रुपए का पेमेंट आप खुद करोगे, गवर्नमेंट को नहीं करोगे, गवर्नमेंट नहीं करेगी, आप बैंक को करोगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ बातें और बताई कि चलान का प्रोसीजर क्या रहेगा। पहले आप बनाओगे एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर। किसी के पास मान लो कोई बंदा अनरजिस्टर्ड है, किसी के यहाँ पे पड़ गई जीएसटी की रेड और वो अनरजिस्टर्ड है, अब उससे पेमेंट करवानी है, तो पेमेंट कराने के लिए जो ऑफिसर है वो उसका एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर बना देता है और उस रेफरेंस के बेसिस पे उसकी पेमेंट करा दी जाती है। ध्यान रखना इस केस में 10,000 रुपये की लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आप जमा करवा सकते हो, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन भी टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर से जीएसटी की पेमेंट कर सकता है। बाकी जो आपके हैं वो सारे सेम है। सिन नंबर जनरेट होता है आपका, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है, और उसके बाद आपके कैश लेजर में वो आ जाता है। एक बात यहाँ पे और ऐड करी इंस्टीट्यूट ने, हाउ डू वी न्यू पेमेंट सिस्टम। नया पेमेंट सिस्टम में क्या है कि 24 घंटे आपको पेमेंट आप कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, 8 बजे के बाद आप पेमेंट नहीं कर सकते थे, पहले ऐसा लॉ में था। अब क्या है, अब 24 घंटे में आप रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे आप पेमेंट कर सकते हो जीएसटी की। इंस्टेंट ऑनलाइन पेमेंट होगी, सिंगल चलान होगा, आपके बिहाफ पे आपका सीए भी आपका चलान पे कर सकता है, ये बात भी लॉ में लिख दी गई है। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट जो 8 बजे के बाद करोगे वो भी आपकी सेम डे आपके अकाउंट में आ जाएगी। ये बातें कुछ एडिशनल गवर्नमेंट ने बताई हैं। कुछ नया पेमेंट सिस्टम आया है, इसके ऊपर एक थ्योरी नोट आ सकता है या एक शॉर्ट नोट आ सकता है कि नया पेमेंट सिस्टम के क्या फीचर हैं। तो आप बताओगे 24/7 का सपोर्ट है, सिंगल चलान है, सीए या टैक्स कंसल्टेंट कैन मेक अ पेमेंट। उसके बाद कह रहे जी आपका जो 8 बजे के बाद पेमेंट करोगे वो भी आपके सेम डे आपके अकाउंट में आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। तो ये तरह के सारे फीचर आप बता सकते हो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 3 नंबर का शॉर्ट नोट या 4 नंबर का एक शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में आ सकता है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन। तो दोस्तों ये हमारा हुआ पूरा का पूरा चैप्टर का पेमेंट वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। ये हमने बात करी है ट्रांसफर की। मैंने कहा था जी आपको, आपने गलती से जमा करा दिया टैक्स में जमा करा दिया, जबकि जाना चाहिए था इंटरेस्ट में या वाइस वर्सा। तो उसको ट्रांसफर करने का जो राइट है वो हमारे पास आ गया है अभी। और ट्रांसफर कैसे करेंगे जी, हम PMT03 से करेंगे। क्या सर ये फॉर्म नंबर याद करना है? याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, याद ना हो तो कोई बात नहीं। तो ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे जी। अब एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से कि क्या हम एग्जांपल से समझते हैं क्या इसका आंसर है।
मैसेज दक्षा एंटरप्राइजेस हैज मेड कैश डिपॉजिट अंडर माइनर हेड टैक्स। टैक्स में इन्होंने माइनर हेड में इन्होंने कैश जमा करवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है जी, कैश में जमा करवा सकते हैं और ये करा दिया इन्होंने एसजीएसटी में। लायबिलिटी बनती थी इनकी इंटरेस्ट की, ठीक है जी, और जमा करा दिया इन्होंने, कहाँ जमा करा दिया इन्होंने, करा दिया है टैक्स में। कह रहे क्या इनको यूटिलाइज किया जा सकता है, इन्होंने जमा करा दिया है 10,000 रुपीज कहाँ पे, टैक्स वाले हेड में, जबकि लायबिलिटी बनती है इनकी इंटरेस्ट वाले हेड में, तो क्या इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या हम 10,000 रुपये जो हम जमा कराए हैं कैन बी यूटिलाइज फॉर इंटरेस्ट, और ये जमा कराए हैं टैक्स के लिए और आप क्या इसको इंटरेस्ट में यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, तो आंसर इज नो। यहां पे बच्चा गलती करेगा, वो कहेगा सर हाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर तो अलग प्रोविजन है, मैं बात कर रहा हूँ यूटिलाइज की, यूटिलाइज करना अलाउड नहीं है। हालांकि हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको यहां से यहां ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके लिए हम फॉर्म PMT09 यूज कर लेंगे, वो हमारे पास एक ऑप्शन है, बट ये इसका आंसर नहीं होगा। आंसर इसका क्या होगा, वो आंसर यहां पे ये दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन इज अलाउड टू ट्रांसफर, ट्रांसफर वो कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है बट वो यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो मैंने ये बताया है कि यहां पे वो ट्रांसफर कर सकता है बट यूटिलाइज वो नहीं कर सकता, इसको आप पढ़ लेंगे, ये सिंपल सिंपल है। उसके बाद एक देखते हैं सेशन, माधव वांट्स टू एडजस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी अंडर रिवर्स चार्ज। ये कह रहा है जी क्या हम इंटरेस्ट की पेनल्टी की पेमेंट कर सकते हैं, क्या हम इनपुट क्रेडिट यूज कर सकते हैं रिवर्स चार्ज के लिए, तो आंसर इज नो। हम रिवर्स चार्ज, हम इनपुट को यूज करके इंटरेस्ट पेनल्टी को पे नहीं कर सकते, हम इनपुट को यूज करके रिवर्स चार्ज पे नहीं कर सकते, रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी पे करने के लिए हमें कैश ही यूज करना होता है। ये बात मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है, ये लिख लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कमिश्नर के पास नॉट बिलो द असिस्टेंट कमिश्नर, उसके पास एक पावर है कि वो आपके आईटीसी को ब्लॉक कर सकता है। यहां पे वर्ड ब्लॉक नहीं है, यहां पे वर्ड है प्रोबिहिशन और यहां पे वर्ड है यूज, यूज का मतलब यूटिलाइज। अभी तक हमने जो सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 17(5) पढ़ा ब्लॉक क्रेडिट का, वो बात करता था कि हम अवेल करने के लिए ब्लॉक कर देंगे, यूज की बात नहीं कर रहा था, वो यूटिलाइज की बात नहीं कर रहा था। आप याद करो अपना आईटीसी का चैप्टर और वहां पे नोट्स आप ओपन करके देख लो, एक बार पॉज कर लो वीडियो को और देखो मैंने ये रूल वहां दिया हुआ है, वहां पे आपको इतनी क्लैरिटी इसके रूल की नहीं होगी, अब आपको क्लैरिटी होगी कि वहां पे हम बात कर रहे थे अवेलेबल कराने की ब्लॉक क्रेडिट में, यहां पे बात कर रहे हैं यूज करने की। क्या होता है, जैसे मेरा एक क्लाइंट है वो अपनी जीएसटी रिटर्न भर रहा था, ही वॉज फाइलिंग इज 3B और वो अपने टैक्स की पेमेंट कर रहा था। टैक्स की पेमेंट होती है दो तरीके से, या तो क्रेडिट से या कैश में, और उस क्लाइंट का 80 लाख रुपए का आईटीसी पड़ा हुआ था उसके क्रेडिट लेजर में। जब वो अपनी पेमेंट कर रहा था क्रेडिट लेजर से तो उसको आईटीसी यूज करने नहीं दिया जा रहा था, अवेलेबल की बात नहीं कर रहा, अवेलेबल तो उसको आईटीसी है 80 लाख रुपए अवेलेबल हो गया सेक्शन 16, 17, 18 से, बट उसको यूज करते हुए रिटर्न भरते हुए उसको यूज करने नहीं दे रहा था। उसने ऑफिसर के पास जाके अप्रोच लगाई, उसको ऑफिस से पूछा कि सर आपने, मैं इसको आईटीसी का यूज नहीं कर पा रहा, क्या करा आपने, कह रहा मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है, मेरे पास एक पावर है और वो था असिस्टेंट कमिश्नर। उसने बोला जी मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है, और ब्लॉक क्यों करा है जी, उसने बोला जी मेरे पास आपकी रिपोर्ट आई है, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि फ्रॉडुलेंट है। क्या है, फ्रॉडुलेंट है, मतलब उसने बताया हमारे को कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे केस में हमारी एक टीम बैठी होती है, वो हमारी सेंट्रल टीम बैठी होती है, वो टीम बताती है हमारे को कि हमें लग रहा है कि आप कोई फ्रॉडुलेंट काम कर रहे हो, या आप ऐसे सप्लायर से काम कर रहे हो सप्लायर एग्जिस्ट नहीं करता, आपका आईटीसी जो है वो फेक है, आप बिना गुड्स रिसीव करे आईटीसी बुक करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आपने आईटीसी तो क्लेम कर लिया, मतलब आपका आईटीसी तो अवेल हो गया क्योंकि सेक्शन 16 की आपने सारी बातें पूरी कर ली, आपने सेक्शन 17 की सारी बातें पूरी कर ली, 18 की सारी बातें पूरी कर ली, बट आपने अवेल तो कर लिया, बट आपने अवेल करा है फ्रॉड से,
आपने फ्रॉड करा है, आपने गुड्स को एक्चुअली रिसीव नहीं करा, हमारे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का, बट हमें डाउट है कि आपके आईटीसी यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला, आपका आईटीसी अवेल तो हो चुका है, 80 लाख रुपए आपके आईटीसी में पड़ा हुआ है, बट ये यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर प्रोबिशन लगा दी। मैंने इसके ऊपर प्रोबिशन लगा दी, प्रोहिबिट कर दिया मैंने, और मेरी रैंक असिस्टेंट कमिश्नर की है, मैं इस पर प्रोबिशन लगा रहा हूं क्योंकि मुझे डाउट है कि आपका सप्लायर एक तो एग्जिस्ट नहीं करता, एक आपने गुड सर्विस को एक्चुअली में रिसीव नहीं करा है, दूसरा आपके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, और मैंने आपका आईटीसी ब्लॉक नहीं करा, प्रोहिबिट कर दिया। उसने बोला भाई साहब खोल दो ना इसको, मैं तो आपको सारी चीज दिखाने को तैयार हूं, अब खोलो इसको, खोलते क्यों नहीं हूं। तो उसने बोला कि मैं खोलूंगा, एक साल तक उसको पावर है कि वो एक साल तक इस तरह की ब्लॉकेज, इस तरह की प्रोबिशन वर्ड दूंगा बार बार मैं इसको, इस तरह की प्रोबिशन वो लगा सकता है एक साल तक। एक साल के बाद उसको अगर वो कोई डिसीजन नहीं लेता कि ये क्या मैटर है तो उसको खोलना पड़ेगा, अदरवाइज एक साल तक उसको इस तरह की प्रोबिशन लगाने की पावर है। ये नया रूल इंसर्ट किया, रूल 86(2)(a), वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप लिख लो, एग्जाम में ये आया हुआ है ऑलरेडी, तो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, पूछा जा चुका है कि ऐसे कौन से केस है जहां पे ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपको आईटीसी को यूटिलाइजेशन को, अवेलेबलमेंट को नहीं, यूटिलाइजेशन को प्रोहिबिट कर सकता है। आप बोलोगे इन केस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सप्लायर ऑन रिसीविंग द गुड्स बुकिंग द आईटीसी without possessing the invoice and without receiving the goods, तो हम इसको प्रोबेट कर सकते हैं यूटिलाइजेशन को, ऑफिसर के पास पावर है, बट एक साल तक की लिमिट यहां पे रहेगी। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट वाली बात, इंटरेस्ट के बारे में जो हमारे पास प्रोविजन है सेक्शन 50 है, इंटरेस्ट दो तरीके से लगा देती है गवर्नमेंट, या तो आपने कोई देरी करी है, मतलब आपने लेट किया है पेमेंट करने में, या आपने कोई गलती करी है। अगर आपने देरी करी है तो इंटरेस्ट है 18%, अगर आपने कोई गलती करी है तो इंटरेस्ट है 24%। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको अपना इंटरेस्ट पे करना था, आपका TUS हो गया, TUS के बाद आपको पेमेंट करनी थी 20 तारीख को अगले महीने की, आपने पेमेंट 20 तारीख को नहीं करी, आपने करी 25 तारीख को, तो ये क्या है, एक तरह से देरी है, इस देरी पे लगेगा ब्याज 18% का, क्योंकि आपने 5 दिन टैक्स पे करने में लेट कर दिया, तो लेट करने पे कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया, पाप नहीं किया आपने, आप पे 18% का ब्याज लगाया जाएगा। एग्जांपल चेंज करता हूं मैं, मैंने कहा जी आपने क्या करा, आपने आईटीसी बुक कर लिया 2 लाख रुपए का, जबकि होना चाहिए था 1 लाख रुपए का, और आपने इसको रिवर्स किया फ्यूचर में, आपने 1 लाख रुपए का आईटीसी बाद में रिवर्स कर दिया, तो इस पीरियड से इस पीरियड तक जब आपने गलती करी थी, इस गलती का जो आपका नुकसान होगा वो होगा 24% का ब्याज आपके ऊपर लगेगा। तो गलती पर 24% है, देरी पर 18% है, ध्यान रहेगा आपको, डिले पेमेंट पे 18% है, अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपका टैक्स जो है वो क्या होगा, 24% का इंटरेस्ट होगा। सर अब क्वेश्चन ये आ गया कि जो ये इंटरेस्ट है ये लगेगा कैसे, जैसे मान लो मैंने कहा जी मेरी आउटपुट लाइबिलिटी है 100 रुपए, ये मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, मुझे इसको पे करना है पहले क्रेडिट से या आईटीसी से, ये हो गया 50 रुपए। अब मुझे ये 50 रुपए बैलेंस ये गवर्नमेंट को देना है कैश में, और ये देने में मैंने कर दी देरी कर दी या डिले हो गया मैं बाई 5 डेज, तो मेरा जो इंटरेस्ट लगेगा वो 50 पे लगेगा या 100 पे लगेगा, मतलब इस पे इंटरेस्ट लगेगा या इस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले लॉ में प्रोविजन था, पहले हम इसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी,
और इसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी, जो हम कैश में पे करते हैं। पहले लॉ मेकर ने प्रोविजन दिया हुआ था कि हम ग्रॉस में आपसे पे करवाएंगे, हमें आईटीसी से लेना देना नहीं है, अगर आपने लेट कर दिया तो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे 100 रुपये पे। इसके अंदर एक लॉ में अमेंडमेंट आई है अभी रिसेंटली, और अमेंडमेंट ये आई है कि अब हम आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो 50 पे करेंगे। हालांकि ये जो अमेंडमेंट आई है लॉ में अभी ये इफेक्टिव नहीं हुई है, अभी इफेक्टिव नहीं हुई है, बट जीएसटी काउंसिल ने एश्योर किया है, इंश्योर किया है और अश्योरेंस दी है अपनी कि हम इसको नेट लायबिलिटी के भी लगाएंगे और इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इफेक्टिव में लेके आएंगे। तो उस एश्योरेंस के बेस पे आज की डेट में तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप नेट से निकाल के आ जाओ या फिर ग्रॉस से निकाल के आ जाओ इंटरेस्ट। बट सही तरीका ये है कि आप इससे निकाल के आओगे और साथ में एक नोट दे के आओगे कि एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट प्रपोज्ड बाय द जीएसटी काउंसिल द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन नेट लायबिलिटी आफ्टर डिडक्टिंग आईटीसी, जो हमारा नेट लायबिलिटी आएगी इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट निकाल के आना है। इसके ऊपर नहीं निकालना, आज की डेट में इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है जो हालांकि इफेक्टिव नहीं हुई है, बट एश्योरेंस के बेस पे, और हमारे आईसीए मॉड्यूल ने भी बोला हुआ है कि हम इसी बेस पे इंटरेस्ट निकाल के हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट कैसे निकालना है मैंने आपको ये बता दिया, इंटरेस्ट कितना निकालना है मैंने आपको ये भी बता दिया। पढ़ते हैं जी प्रोविजन। अब इंटरेस्ट लगेगा कब आपने जीएसटी पे नहीं करा या आपने लेट पे करा है। मैंने कहा जी या तो आपने लेट पे करा है या आपने पे नहीं करा, मतलब एक ही बात है, जब पे करोगे तब इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा जी इंटरेस्ट? 18% का आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक बात और बोली, कह रहे जी अगर आपका जो केस है वो सेक्शन 53 का है या 54 का है, मतलब आपने कोई गलती करी है या आपने कोई फ्रॉड करा है, उस केस में हम आपको टैक्स जो लेंगे आपसे वो नेट लायबिलिटी पे नहीं लेंगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स टू बी कैलकुलेटेड ऑन नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी भी लेंगे। इन दो केस में अगर आपने कोई फ्रॉड करा है या आपने कोई मेजर गलती करी है, इस केस में जो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे वो हमेशा आपसे हम ग्रॉस पे लेंगे। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, हालांकि इतनी कोई इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है, आपसे इस तरह की टेक्निकल बातें नहीं पूछी जाती हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि जो लेट पेमेंट है उसके लिए हम हमेशा नेट लायबिलिटी लेंगे। नेट लायबिलिटी मतलब टोटल लायबिलिटी माइनस क्रेडिट जो आपका आएगा वो आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए काम आएगा। एग्जांपल समझेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, इंटरेस्ट लेना कब से कब तक है? मेरी ड्यू डेट है 20 तारीख और मैंने एक्चुअल में पेमेंट करी है मान लो 25 तारीख को, तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 21 तारीख से 25 तारीख तक, 21 से 25 तक लगेगा, 21, 22, 23, 24, 25 ये लगेगा आपका, 5 दिन का आपका इंटरेस्ट लगेगा। मतलब जिस दिन आपने एक्चुअल पेमेंट करी है उस डे को भी काउंट करना है इंटरेस्ट निकालने के लिए, वो डे भी काउंट होगा जिस दिन आपने पेमेंट करी है। मैंने कहा जी मैंने पेमेंट कर दी आज सुबह 6 बजे, तो 6 बजे कर दी जो आपने 5 बजे कर दी हो, 25 तारीख को पेमेंट हुई है तो 25 तारीख भी इंटरेस्ट निकालने के लिए काउंट होएगा। क्योंकि बंदा बोलता है जी आपने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, आपने मेरे को अगर ये इंटरेस्ट कल दिया होता तो मैं आज का आपका इंटरेस्ट नहीं लगाता, बट आपने आज दिया है तो मैं आज का इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो इंटरेस्ट निकालना है आपको किस डेट से? जिस दिन ड्यू डेट है उसके अगले दिन से, यानी कि 21 तारीख से। तो ड्यू डेट के अगले दिन से लेके जिस दिन आपका एक्चुअली में वो पेड हुआ है उस दिन तक आपको इंटरेस्ट निकालना है। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इंटरेस्ट आपको निकालना है ड्यू डेट से अगले दिन, ड्यू एक दिन पहले एक दिन बाद, ड्यू डेट के अगले दिन से, ड्यू डेट के अगले दिन से लेके एक्चुअल डेट तक आपको इंटरेस्ट निकालना है। मतलब 21 से लेके हमेशा एक्चुअल डेट तक, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक आपको इंटरेस्ट निकालना है। बात समझ आ गई आपको? उसके बाद आगे जी हम आगे अनड्यू एक्सेस क्लेम क्रेडिट किया आपने,
आपने कोई आईटीसी गलत ले लिया है, आईटीसी गलत ले लिया है, या आपने कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम कर दी है अपनी, सेक्शन 18 में आपको कोई सेक्शन 18 में आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करनी थी, या किसी भी आपको तो आपने कम या ज्यादा पे कर दी है, तो उस केस में आपका टैक्स लगेगा 24%। तो ये वाला केस कौन सा है? बेसिकली ये वाला जो केस है, ये वाला केस है गलती का। इस केस में आपको टैक्स देना है 24%। और ये वाला जो केस है, ये है आपका देरी का, डिले का केस है 18%, गलती का केस है तो टैक्स लगेगा 24%। गलती कैसे होगी जी? आपने आईटीसी ज्यादा ले लिया या आपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम पे कर दी, उस केस में हम क्या करेंगे, 24% का टैक्स आपसे लगाएंगे। देखते हैं जी, एक समझते हैं, इलस्ट्रेशन समझते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए थोड़ी सी। मिस्टर अलोक अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स फाइल्ड इज 3B ऑन द मंथ ऑफ जनवरी ऑन 15 अप्रैल। तो इसने इस तारीख को अपनी रिटर्न फाइल करी है जनवरी की, और फाइल होनी चाहिए थी 20 फरवरी को, क्योंकि जनवरी की रिटर्न फाइल कब होती है? 20 फरवरी को फाइल होती है। फाइल करी है इसने, तो फाइल करी है इसने 20 फेब को, 20 फेब को फाइल होनी चाहिए थी। ये हो गया आपकी ड्यू डेट, ये हो गया आपकी ड्यू डेट, और एक्चुअली में फाइल हुई है आपकी 15 अप्रैल को। ये हो गया आपकी एक्चुअल डेट। ड्यू डेट से एक दिन बाद 21 तारीख से 25 तारीख तक हमें निकालने हैं, ये हमारे आएंगे डिलेड डेज। ये आ गए आपके 54 दिन, आप निकालोगे 54 दिन निकल जाएंगे आपके। आपको ध्यान रखना है, आपको देखना है महीना आपका 31 का है 30 का है, तो आपको ध्यान रखना है। और आपका जो लीप पीरियड होता है, जैसे मान लो फरवरी में कुछ महीने होते हैं आपके जो 29 डेज होते हैं, उसको आपको इग्नोर कर देना है। ये एग्जामिनर आपको बताएगा कि आपको लीप ईयर को इग्नोर कर देना है। तो आपको फेब का जो महीना है वो आपको लेना है हमेशा 28 दिन का ही लेना है। इसका आप नोट भी दे सकते हैं, ये एग्जामिनर लिखा होगा कि हाँ लीप ईयर को इग्नोर कर दो। तो फेब का आपको हिसाब लगाना है, और आपको ध्यान दिमाग में ना आए कई बार कि कौन सा महीना 31 का होता है, कौन सा महीना 30 का होता है, तो इसका तरीका हम बचपन में करते थे। ये हमारे सामने उंगली है, जो बड़े वाला जो ये हमारा जो बाहर निकला हुआ है, इसको बोलते हैं जनवरी, ये 31 का है, फरवरी 28 का, फरवरी मार्च 31 का, उसके बाद मार्च अप्रैल 30 का, उसके बाद जुलाई, जुलाई कितना है, जुलाई आपका 31 का है, उसके बाद अगस्त भी आपका 31 का होता है। तो अगर आपको याद ना आए तो हम इस को यूज करके पता लगा लेते हैं कि 31 का महीना कौन सा है और 30 का महीना कौन सा है। तो ध्यान रखना है आपको डेज निकालते हुए, बड़ी ही स्मार्टनेस से आपको डेज निकालने, अगर आपने डेज निकालने में गलती कर दी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, डेज निकालने में आपको गलती नहीं करनी। फिर मैंने कहा जी मेरा जो इंटरेस्ट है वो कैसे निकलेगा, ये मेरा टैक्स होना चाहिए था, तो ये मेरा टैक्स था, इस पे 18% निकाला मैंने, और निकाला 54 दिन का इंटरेस्ट मैंने निकाल दिया, ये मेरा आ गया 972 रुपये इंटरेस्ट। तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको करनी है बड़े ध्यान से। आपको ध्यान रखना है कि मेरा डिले पेमेंट क्या है और मेरी ड्यू पेमेंट क्या है। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया जी, बहुत सिंपल सिंपल। आप क्वेश्चन ट्राई करोगे आपको बड़ा आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि ये डेज निकालने की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लो, क्योंकि ये डेज निकालने की प्रैक्टिस आपको काम आएगी टाइम ऑफ सप्लाई में भी और इंटरेस्ट निकालते हुए भी। इस तरह के प्रैक्टिस आपको पहले करनी पड़ेगी एडवांस में, क्योंकि बाद में आप एग्जाम सेंटर पे सारा टाइम वेस्ट कर दो डेज निकालने में, तो बड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। इसलिए डेज निकालने की कैलकुलेशन फटाफट करनी आपको सीखनी पड़ेगी, ये आपको कैसे निकालना है। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा और आया है, ये भी हमारा सेम तरह का क्वेश्चन है। इसके अंदर गलती क्या हुई है, इसके अंदर एक गर्ग सेफ्टी प्रोडक्ट है जिन्होंने एक्सेस आईटीसी ले लिया है 2 लाख रुपए का, और अपनी GSTR 3B के अंदर गलती कर दी है। गलती कर दी है तो क्या आएगा ब्याज, ब्याज आएगा 24% का। उसके बाद एक शोकॉज नोटिस आया डिपार्टमेंट का, और इन्होंने बोला जी आप इंटरेस्ट पे कर दो इस तारीख को। तो इन्होंने क्या करा जी, अप्रैल मंथ में गलती करी है। अप्रैल मंथ की रिटर्न कब जाएगी, मई में जाएगी, और मई में कब जाएगी, 20 तारीख को। इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा
21 मई से। तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो, अप्रैल की जीएसटी 3 भी कब जाती है, अगले महीने जाती है 20 तारीख को, तो उसकी ड्यू डेट कब हो गई, अगले महीने की 20 तारीख। तो 20 मई हमारी ड्यू डेट थी और उसके अगले दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। उसके बाद पेमेंट हुई है 31 जुलाई को, तो ये मैंने इन दोनों का डिफरेंस मैंने निकाल दिया, ये आ गया मेरा 72 डेज। आप कैलकुलेट कर लोगे अपने तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा 72 डेज कैसे आए हैं। तो हमने जो ब्याज लगाया वो 2 लाख रुपए पे, जो आईटीसी हमने ज़्यादा लिया था, तो हमने एक्सेस आईटीसी लिया था, एक्सेस आईटीसी पे हम लगाया 24% और लगा दिया 72 डेज का, ये आ गया हमारा 9469। तो ये हमें इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना है। तो गलती पर, डिले करने पर इंटरेस्ट 18% है और गलती करने पर इंटरेस्ट 24% है। इंटरेस्ट निकालना कब से है, जिस दिन आपने, आपकी ड्यू डेट है उसके अगले दिन से आपको इंटरेस्ट निकालना है, टिल द डेट एक्चुअल पेमेंट, उन दोनों को कंपेयर करके डेज निकालने हैं और डेज को मल्टीप्लाई करना है और इंटू करना है 365 डेज। तो आपको डे वाइज इंटरेस्ट निकालना है। अब जिस क्वेश्चन का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था, ये क्वेश्चन है, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया। आई एम वेरी वेरी मच इंप्रेस्ड विद दिस क्वेश्चन। मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ना दोस्तों, तो पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को आप पोज करके वीडियो खुद सॉल्व करने की कोशिश करना और आप देखना कि यहाँ पे हम कहाँ लैग कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, उसके बाद इसको पोज कर देना, वीडियो को पोज करके खुद ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा क्वेश्चन करने में। रॉयल स्वीट कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर है, फर्निश किया है उसने फॉलोइंग डिटेल, नवंबर मंथ के लिए है, एक उन्होंने ये डेट दी हुई है। अब एग्जामिनर ने ये मेंशन नहीं किया होगा ये डेट कौन सी है, तो ये डेट है डेट ऑफ पेमेंट। सर ये कैसे पता लगा, क्योंकि ये है डेट ऑफ इनवॉइस। अब ये जो डेट ऑफ इनवॉइस दी है, ये जो डिटेल दी है इसने मेरे को, ये डिटेल दी है, ये सारी डिटेल दी है इसने, ये हमने पेमेंट करी है एडवोकेट को। तो बेसिकली ये क्या है, पेमेंट डेट है। मैं ये बात यहां से लिंक कर पा रहा हूं कि ये डेट पेमेंट डेट है, एक बात तो ये हो गई सर इसमें। दूसरी बात ये हो गई कि डेट ऑफ इनवॉइस है, ये किसका इनवॉइस है, ये सप्लायर का इनवॉइस है, ध्यान रखना, क्योंकि हम रिवर्स चार्ज में बात कर रहे हैं और रिवर्स चार्ज में सप्लायर के इनवॉइस की बात कर रहे हैं, हम अपने सेल्फ इनवॉइस की बात नहीं कर रहे, हम सप्लायर के इनवॉइस की बात कर रहे हैं। हमने कहा जी पेमेंट आपका इस डेट पे हुई है, आपका इनवॉइस इस डेट पे सप्लायर का इशू हुआ है, तो इसके 61st डे पे हम मान लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन आ जाएगी उसके अगले महीने के 20 तारीख को पेमेंट हो जानी चाहिए थी। इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, जो फालतू डेज आएंगे उस पे लगा देंगे ब्याज। है तो सवाल आसान, बट ये समझने में आपको चैलेंज थोड़ा आ सकता था, इसलिए मैंने बोला ये अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसके बाद मैंने दी है सिटिंग फीस डायरेक्टर को दी है, ये भी हमारी रिवर्स चार्ज में आती है। अगर ये डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, अगर ये डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, तो ये कहाँ आएगी, रिवर्स चार्ज में आ जाएगी। हमने इनवॉइस दिया है इस तारीख को डायरेक्टर ने, और हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो इंटरेस्ट रेट सप्लाई है, मतलब इस पर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, इस पर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, इस पर लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। सर ये काम मैं कहाँ कर रहा हूँ, ये काम मैं कर रहा हूँ रफ में, यहाँ लगेगा आईजीएसटी, क्योंकि लॉ ने बताया हुआ है ये इंटरेस्ट रेट सप्लाई है, लॉ ने लिख के दिया हुआ है इट इज इंटरेस्ट रेट सप्लाई, तो क्या मानेंगे इसको, आईजीएसटी इसमें लगेगा। हमने कहा जी डायरेक्टर ने इनवॉइस इशू किया इस तारीख को, तो इसका निकालेंगे टाइम ऑफ सप्लाई और कंपेयर करेंगे इस पेमेंट वाली डेट से, और फिर देखेंगे कि ये टाइम ऑफ सप्लाई के बाद अगले महीने की 20 तारीख को ये पे हुआ है कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो इस पे ब्याज हम लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन के दो पर्पस एग्जामिनर ने पूछे हैं आपसे, उसने बोला है जी पहले तो आप निकालो जीएसटी पेबल और साथ में बताओ टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि मुझे ये भी बताओ व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई, मुझे ये भी बताओ व्हाट इज पेमेंट, पेमेंट कब होनी है। देखते हैं जी, सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी टाइम ऑफ सप्लाई, तो हम देखते हैं व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई, ये हमने दिया है वर्किंग नोट, आपको प्रेजेंटेशन ऐसी रखनी है। तो वर्किंग नोट में हमने बताया है जी
हमने बताया पहले कि ये लीगल सर्विस रिवर्स चार्ज में आती है और रिवर्स चार्ज में इस पे रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, इसका भी एक आधा नंबर होगा, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। ये बताने का कि ये रिवर्स चार्ज में आती है, सर ये तो पता होगा एग्जामिनर को, अरे उसको तो पता है, आपको आपको बताना है कि मुझे भी पता है, इसके आधे नंबर मिल रहे हैं आपको कि ये रिवर्स चार्ज में आती है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा ये रिवर्स चार्ज में आती है। उसके बाद आपको निकालना है इसका टाइम ऑफ सप्लाई, तो आप बोलोगे डेट ऑफ पेमेंट जो हमें दी हुई है, डेट ऑफ पेमेंट, तो ये हो गई हमारी डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट और सप्लायर के इनवॉइस से, सप्लायर का इनवॉइस इस तारीख को इशू हुआ था, इसके इनवॉइस से 61st डे विच एवर इज अर्लियर, ये हो गया मेरा अर्लियर। अर्लियर होने के बाद काम खत्म नहीं हुआ मेरा, अब इसकी ड्यू डेट क्या है, इसकी ड्यू डेट है अगले 20 तारीख यानी कि 20 अक्टूबर को, ये हो गई मेरी ड्यू डेट। बताओ ड्यू डेट पहुंचने के लिए एग्जामिनर ने कितने प्रोविजन चेक करा लिया आपके, उसने आपकी कितनी नॉलेज टेस्ट कर ली, उसने बोला जी आपको रिवर्स चार्ज पता है, यस पता है मेरे को, आपको ये पता है कि इसका टीओ कैसे निकलता है रिवर्स चार्ज में, ये भी पता है मेरे को, क्या आपको ये पता है कि रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी पे करने के लिए अगले महीने की 3B में पे करते हैं, तो ड्यू डेट हो गई अगले महीने की, ये भी पता है मेरे को। उसके बाद फिर इसको कंपेयर करो एक्चुअल पेमेंट से, वट इज एक्चुअल पेमेंट, दिस इज एक्चुअल पेमेंट, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है सर, एक्चुअल पेमेंट होनी चाहिए 20 अक्टूबर को, पेमेंट हुई है 11 नवंबर को, इसका मतलब कितना गैप है, ये गैप निकाला मैंने यहां पे, ये गैप मैंने निकाला यहां पे कि 22 दिन का गैप है इन दोनों के बीच में, 22 दिन का गैप है, और ये क्या है देरी है, ये गलती नहीं है, क्या है ये देरी है, तो इस पे लगेगा 18% का ब्याज सर, ये क्या लगेगा CGST का अलग लगेगा, यस एज पर लॉ मेजर हेड और माइनर हेड का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो अलग अलग होगा, CGST का अलग होगा, SGST का अलग होगा, हालांकि मॉड्यूल ने जो आंसर दिया हुआ है उन्होंने इसको एक साथ करके दिया हुआ है ₹244, बट मैंने इसको अलग बताया है क्योंकि लॉ ने बोला है अलग बताने के लिए, तो हमने इसको अलग बताया है, CGST का अलग, SGST का अलग, पूरे नंबर लेने हैं तो एक एक स्टेप आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने कहा जी ₹11,250 जो हमने पेमेंट करी थी यहाँ पे, ये वाली पेमेंट करी थी, ये हमने RCA में पे करना था, किस तारीख को ये हमें पे करना था, एक्चुअली में पे करना था हमारे को 20 अक्टूबर को, और पे हुआ है 11 नवंबर को, तो 22 दिन का ब्याज हम आपसे लेंगे, और ये आ गया ₹244 टोटल, ये हमारा ब्याज हो गया, वर्किंग नोट नंबर 3 मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट को दे दिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, गलती नहीं करनी, इस तरह के क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे 3 बातें चेक कर ली, पहली बात तो आपको ये पता है कि ये रिवर्स चार्ज में आता है कि नहीं आता, यस मुझे पता है, उसके बाद आपको ये चेक कर लिया कि TOS निकालते कैसे, ये चेक करा लिया आपसे, और उसके बाद ये चेक कर लिया कि TOS की ड्यू डेट कब होती है, अगले महीने की 20 तारीख, और उसके बाद ये चेक करा लिया कि इसका ब्याज कैसे निकालना है, और ये चेक करा लिया कि ब्याज 24 है या 18 है। तो मैंने इसलिए बोला था ये एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, और इसके आगे लिख लो एग्जाम, मेरा दिल कहता है कि ये क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे वो May 21 में आ जाए, चाहे वो November 21 में आ जाए, कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा एक बार, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जामिनर आपसे सारे पहलू चेक करा लिए इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमने ब्याज निकाल दिया दोस्तों, सिंपल सिंपल ब्याज निकाल दिया। अगला है हमारा डायरेक्टर की पेमेंट, तो उसके अंदर भी देखेंगे हम, बताएंगे कि ये रिवर्स चार्ज में कवर होता है, इसका हमारे को आधा नंबर मिलेगा, ये बताने का कि ये रिवर्स चार्ज में कवर होता है, उसके बाद बताएंगे हम रिवर्स चार्ज में हम कैसे करेंगे, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ पेमेंट और इनवॉइस के 61st डे को कंपेयर करेंगे, और ये आएगा, ये हमारा आएगा विच एवर इज अर्लियर, ये हमारा आएगा, और इसकी ड्यू डेट कब होगी, अगले महीने की 20 तारीख यानी कि 20 दिसंबर होगी। पेमेंट हमने कब कर दी है, हमने पेमेंट एडवांस में कर दी, क्या हमें ब्याज मिलेगा, ब्याज मिलने का प्रोविजन नहीं है, अगर आपने कोई इंटरेस्ट आपने पेमेंट एडवांस में कर दी है उसको गवर्नमेंट ब्याज देती नहीं है दोस्तों, ब्याज आपसे लेती है, तो आपने एडवांस में ही आपका टैक्स डिपॉजिट हो गया, इस केस में आपका इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि यहां पे कोई पेमेंट डिले नहीं है, तो यहां पे इंटरेस्ट लायबिलिटी आपकी नहीं बनती है। तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन को अपने आप खुद अटेम्प्ट करना है दोबारा से, एक महीने बाद, दो महीने बाद, और देखना है कि मैं गलती तो नहीं कर रहा, आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन में डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये दोस्तों।
उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन और है, वो डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डू वन मोर इलस्ट्रेशन। शिप्रा ट्रेडर अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स इन असम परचेज गुड्स वैल्यू ऑफ 10,000। यहां रखना ये वैल्यू है, टैक्स नहीं है। फ्रॉम कार्तिक लोकेटेड इन सेम स्टेट। इस तरह के क्वेश्चन में आप चार्ट बनाओ। शिप्रा ने कार्तिक से गुड्स खरीदा है, यानी कार्तिक से गुड्स खरीदा है, तो ये हो गया इनपुट। और ये गुड्स कितने का खरीदा है जी? 10,000 रुपए का खरीदा है शिप्रा ने। कार्तिक ने सप्लायर चार्ज करा है इस पे, सी प्लस एस चार्ज करा है, कोई दिक्कत नहीं है। शिप्रा ने ये बिल, ये गुड्स सोल कर दिए 9,500 रुपए के, यानी कि इसने 9,500 का ये गुड्स फर्दर सेल कर दिया है। किसको? रोबीना को। और 20% जो है वो स्टॉक पड़ा हुआ है इनके, ये मतलब जो 500 रुपए का जो गुड्स है ये इनके स्टॉक में अभी पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है जी। उसके बाद कैलकुलेट करना है नेट जीएसटी। तो हमें तो पता है कि स्टॉक रखने से भी हमें पूरा ITC मिल जाता है। आपको याद होगा सेक्शन 16 में पढ़ा था, बिजनेस के अंदर यूज हो या इंटेंडेड टू बी यूज हो, दोनों केस में हमें ITC मिल जाता है। तो स्टॉक पड़े होने से हमारा ITC कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा ITC हमें मिल जाएगा। एग्जामिनर ने हमारे से दो चीज चेक करा ली कि सेक्शन 16 की आपको कितनी अच्छी नॉलेज है, और साथ में आपको ये भी चेक कर लिया कि आप कितना अमाउंट्स को लेके कितना अच्छा समझ आपकी है, क्या परचेज है और क्या सेल है, ये भी आपसे टेस्ट उसने कर लिया। तो GST हमें निकालना है, शिप्रा को जो टैक्स देना है, यानी कि शिप्रा के बिहाफ पे हमें सोचना है। अभी शिप्रा की सेल क्या हो गई? शिप्रा की सेल हो गई ये वाली, तो इस पे हमें 9% निकाला हमने CGST SGST। याद रखना 10,000 रुपये नहीं निकालना, क्योंकि 10,000 हमारी परचेज है, इट इज़ नॉट आर सेल। उसके बाद ITC मिलेगा हमारे को, क्योंकि हमने लगाया है सी प्लस एस, तो 10,000 रुपये पे 9% निकाला, ये हमारा बैलेंस बच गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पूरे पे ITC मिलेगा, अनसोल्ड स्टॉक पे भी हमें ITC मिलेगा। इसका भी हमें नोट देना पड़ेगा कि अनसोल्ड स्टॉक पे भी हमें ITC मिल जाता है। तो ये हमारा बच गया 4,500। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा नेक्स्ट पीरियड के लिए ITC लेजर में चला जाएगा। बेसिकली हमारा जो ITC है वो ज़्यादा है, लायबिलिटी हमारी कम है, तो ये 4,500 रुपये हम नेक्स्ट पीरियड में फॉरवर्ड कर देंगे, इसका ITC हम फ्यूचर में ले लेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला देखते हैं जी इलस्ट्रेशन। ये एग्जाम में आई हुई है, इंपॉर्टेंट है। हिमांशु है, केमिकल की सप्लाई करते हैं और रेगुलर स्कीम में GST देते हैं। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड, मतलब इनको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, इनका थ्रेशोल्ड लिमिट के बाहर इनका GST नंबर, ये टैक्सेबल पर्सन है। फिर उसके बाद कह रहे जी ये इन्होंने सितंबर मंथ में ये सप्लाई करी है। अब इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि यहाँ पे बात आ रही है सी प्लस एस की, सी प्लस एस की बात हो रही है, वो क्या है? ये आपकी सेल हो रही है यहाँ पे। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सप्लाई वर्ड की बात हो रही है, सेल की बात हो रही है। उसके बाद इंटर स्टेट ऑफ गुड्स, यानी कि ये बात हो रही है आई की, और ये सेल की बात यहाँ पे हो रही है। ये काम रफ में करने से आपको बड़ा फायदा होता है, आप गलती नहीं करते हो। फिर उसके बाद इंटर स्टेट परचेज की बात हो रही है, तो ये आपके हो गए इंटर स्टेट सी प्लस एस, ये आपकी इनपुट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद इंट्रा स्टेट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, सर यहाँ पे बात हो रही है सी प्लस एस की, ना गलत, अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हैं, ये आपका टैक्स लगाएगा ही नहीं, टैक्स लगाएगा ही नहीं तो सी प्लस एस की बात तो यहाँ पे आएगी नहीं। तो यहाँ पे हमारे को ITC, क्योंकि जब टैक्स लगेगा नहीं, टैक्स लगेगा नहीं तो ITC मिलेगा ही नहीं। उसके बाद इंटर की बात हो रही है रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये आई की बात हो रही है, और ये भी आपकी इनपुट की बात हो रही है। तो सिंपल सिंपल है, हमारे से पूछा गया है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है,
ये हमारा ओपनिंग बैलेंस सितंबर का ओपनिंग बैलेंस है, किसका? इनपुट का ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि क्रेडिट लेजर का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है जी आउट ऑफ दिस इंटर परचेज, इंटर परचेज मतलब ये वाली परचेज की बात कर रहा है वो, इंटर परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इस वाले परचेज की बात कर रहा है, उसके अंदर 1,00,000 का जो गुड्स है वो अभी रास्ते में है, वो अभी रिसीव नहीं हुआ। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारा जो गुड्स है वो रास्ते में है तो वो रिसीव नहीं हुआ, अगर आपने ट्रांसपोर्टर के थ्रू मंगाया है तो आपको रिसीव नहीं हुआ, उस केस में आपको ITC नहीं मिलेगा क्योंकि आपने गुड्स एक्चुअली में रिसीव नहीं करा। ट्रांसपोर्टर के थ्रू मंगाया है तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कब होगा? जब आपके पास वो गुड्स पहुंच जाएगा, जब आपके पास गुड्स एक्चुअली में रिसीव हो जाएगा। तो रिसीव नहीं हुआ है तो इसका ITC नहीं मिलेगा सेक्शन 16 के हिसाब से। ये हमने मोटा मोटा एक काम कर लिया है रफ में। अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, हमें क्या निकालना है? GST पेबल निकालना है, कैश वाला, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहले हम देखा जी इंटर स्टेट सेल क्या है हमारी, इंटर स्टेट सेल है हमारी, इंटर स्टेट सेल पे लगेगा IGST, तो ये हमने देख ली, ये हमारी इंटर स्टेट सेल है ये वाली, सॉरी ये हमारी इंटर स्टेट सेल है, इस पर लगेगा IGST, तो मैंने 5,00,000 पे IGST लगा दिया, ये आ गया आपका 18%, 90,000 रुपये। उसके बाद मैंने कहा जी 25,00,000 रुपए जो है ये मेरा इंटरेस्ट रेट सेल है, तो इस पे लगेगा इंटरेस्ट रेट 9% और 9% लगा दिया मैंने, ये मेरा आ गया 2,25,000, 2,25,000, तो ये मेरा आ गया टोटल पूरा का पूरा सेल के ऊपर टैक्स मेरा आ गया, इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, तो इसको मैंने बोल दिया ए। एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट करना है, इसको लिख के आना है ए। लिख के आने के बाद ये आपकी सेल की बात ओवर हो गई, अब हम बात करते हैं परचेज की। तो ये हो गई सेल की, ये हो गई परचेज की। तो परचेज के अंदर देखा हमने, पहले हमने देखा जी हमने रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है इंटरेस्ट रेट 14,00,000 का सामान, तो ये हो गया आपका IGST CGST CGST, ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो ये हमने ले लिया ओपनिंग बैलेंस, आपका ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया एज इट इज, जो हमारा क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ था, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है जो हमने एज इट इज यहां पे डाल दिया ओपनिंग बैलेंस में। उसके बाद हमने कहा जी इंट्रा स्टेट परचेज करिए रजिस्टर्ड पर्सन से, तो इसका हमें ITC मिलेगा, CGST CGST IGST नहीं मिलेगा, तो ये हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद हमने इंट्रा स्टेट परचेज करिए अनरजिस्टर्ड पर्सन से, क्योंकि यहां पे GST आपने पे नहीं करा तो आपको IGST नहीं मिलेगा, ITC नहीं मिलेगा। उसके बाद है जी आपने इंटरस्टेट परचेज करी है रजिस्टर्ड पर्सन से, 4,00,000 की परचेज में से 1,00,000 का गुड्स जो है इनवॉइस हमें मिला नहीं है, गुड्स रिसीव नहीं है, तो इसका आप नोट भी देके आओगे साथ में कि सिंस वी हैव नॉट रिसीव द गुड्स द ITC फॉर 1,00,000 रुपीज, ITC फॉर दिस 1,00,000 रुपीज शैल नॉट बी अवेलेबल, सो हम बाकी बैलेंस 3,00,000 के ऊपर जो हमने IGST पे करा है उसका ITC ले लेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर का जो ITC जनरेट हुआ है उसका टोटल लगाने के बाद ये आ जाएगा हमारा टोटल ITC B, तो इसको लिखेंगे हम B। तो पहले हमने लिखा कितना हमारे को आउटपुट टैक्स देना है सेल के ऊपर, कितना हमारे को इनपुट टैक्स टोटल बनता है ओपनिंग और करंट ईयर का मिलाकर। अब हम क्या करेंगे जी, मैंने वैसे तो इंस्टीट्यूट की प्रेजेंट थोड़ी अलग है, मैंने थोड़ी प्रेजेंट थोड़ी सिंपल करी ताकि आपको गलती ना हो। पहले आप GST पेबल निकाल दोगे सिंपल। GST पेबल निकालने का पहला रूल ये होता है, वैसे तो पहला रूल होता है कि पहले आप IGST को ख़त्म करना है आपको। ये IGST क्या है? हमारा बच गया है बैलेंस, तो पहले ख़त्म करना है हमारे को IGST को। ये पहला रैंक इसको है, पहला रैंक इसको ख़त्म करना है, उसके बाद इसको ख़त्म करना है, और उसके बाद इसको ख़त्म करना है। तो मैंने कहा जी सबसे पहले रैंक वन में मैं ख़त्म करूँगा इसको, रैंक वन में ख़त्म करूँगा इसको, तो इसमें से जो मेरा ये ITC है इसमें से मैंने ये लेस कर दिया अपना 90,000 रुपये, तो 14,000 रुपये मेरा बैलेंस बच गया, नेगेटिव बच गया। अब नेगेटिव को यूज़ करने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, कि मैं यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो पहले मैंने माइनस कर लिया, उसके बाद मैंने ये मेरा CGST का अमाउंट है ITC, और ये मेरा उसका आउटपुट टैक्स है, ये मेरे आगे लायबिलिटी CGST एक्ट की। उसके बाद ये मेरा
एसजीएसटी आ गई, ये मेरी सीजीएसटी की इनपुट है और ये मेरा सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स है, तो मेरी ये आ गई लाइबिलिटी, तीनों की लाइबिलिटी आ गई। ये लाइबिलिटी आ गई विदाउट एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट बोल लो या बिफोर एडजस्टमेंट बोल लो, ये लाइबिलिटी मेरी आ गई। अब ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से करना है आपको। आपको क्या करना है दोस्तों, कि 14,000 रुपये को जो मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है, एक्सेस पड़ा हुआ है, ये मेरे को यूज करना है। कुछ तो मैं यूज कर लूंगा सीजीएसटी में, क्योंकि मैंने यहां पे क्यों यूज करा है, क्योंकि मेरा यहां पे शॉर्टेज कितनी आ रही है, 4,000 रुपये की आ रही है, तो 4,000 रुपये मैंने यूज कर लिया सीजीएसटी एक्ट में, तो मेरा सीजीएसटी का जो लाइबिलिटी हो गई वो निल हो गई, क्योंकि मेरा जो ये एडजस्टमेंट से पहले टैक्स बन रहा था सीजीएसटी, वो बन रहा था 4,000 रुपये, तो मैंने इसमें से 4,000 रुपये निकाल के यहां दे दिए, ठीक है जी। और बैलेंस जो बचे 10,000 रुपये वो मैंने यहां दे दिए। यहां देने के बाद मेरा ये हो गया जीरो, तो मैंने जो 14,000 रुपये मेरे एक्सेस था, इसको मैंने दो जगह पे यूज, एक तो यहां यूज कर लिया, एक मैंने यहां यूज कर लिया, तो मेरा जो ये हो गया मेरा आईजीएसटी निल, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। मैंने कहा था जी पहले आईजीएसटी को खत्म कर दो, मैंने आईजीएसटी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो यहां पे मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। आईजीएसटी मेरा पहले, सबसे पहले जीरो होना चाहिए, उसके बाद मैं आऊंगा जी आईजीएसटी के बाद, फिर मेरे को सीजीएसटी अपना जीरो करना है, मेरे को अपना सीजीएसटी जीरो करना है, तो ये भी मेरा जीरो हो गया है, क्योंकि मैंने 4,000 रुपये यहां पूरे यूज कर लिए। बैलेंस जो बचा मेरा वो मैंने बैलेंस यहाँ पे यूज कर लिया, तो मेरा आ गया ये 29,000 रुपये। सर इसका सिंपल तरीका बताओ, क्रॉस वेरीफाई कैसे करना है पेपर में। मैंने कहा जी मेरा टोटल टैक्स बनता है, इसका टोटल लगा लो आप एक बार कैलकुलेटर से, टोटल लगा लो इसका कितना आएगा, 2,25,000 प्लस 2,25,000 प्लस 2,25,000 प्लस 90,000, इसका टोटल लगा लो कितना आएगा आपका, 5,40,000, ये आएगा टोटल आपका आउटपुट टैक्स। और इसका टोटल लगा लो बी का, ये कितना आएगा जी, आई एम टेलिंग यू द तरीका कि कैसे एग्जाम में आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपने सही करा है या गलत करा है। तो इसका भी टोटल लगा लो आप, एक बी का भी 5,11,000। अब इन दोनों को लेस करके देख लो यहाँ पे अलग से, ये आ गया 29,000 रुपये आपका बैलेंस। आपका जो कंपोनेंट वाइज टोटल है लास्ट में, वो इससे मैच होना चाहिए। अगर इससे मैच हो रहा है तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर में कुछ कमी है। ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है टोटल मेरा जो टोटल है मेरा, टोटल आपको निकालना नहीं है, वैसे टोटल आपका जो टैक्स बन रहा है और जो टोटल ITC बन रहा है उसको लेस करने के बाद आपका आ रहा है 29,000 रुपये, ये आपकी पेमेंट बनती है। तो हमारा बैलेंस भी यही आ रहा है, हालांकि वो आ रहा है सेंट्रल स्टेट टैक्स में, वो हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमने आईजीएसटी एडजस्टमेंट पहले करी है सेंटर में, फिर करी है स्टेट में। तो आपका जो नेट आंसर है वो इस तरह से आपको चेक करना है एग्जाम में, टोटल निकाल के उसको टोटल करके माइनस कर लो, जो आपका बैलेंस आएगा वो आपका फाइनल बैलेंस होना चाहिए। इसको क्वेश्चन को दोबारा से अच्छे से रिवाइज करो, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछना, थोड़ी सी यहाँ पे एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको और ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पे होगी। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं ताकि हमारे को क्लैरिटी और बढ़ जाए। मैंने कहा जी सेम क्वेश्चन में अगर हमारा टोटल आउटपुट टैक्स 20,000 है 50,000 है, टोटल ITC हमारा 30,000 है 40,000 है और 30,000 है, तो आपका GST पेबल कैसे आप निकालोगे। मैंने सेम एग्जांपल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके एक नया कॉन्सेप्ट आपको डेवलप कराने के लिए यहाँ पे एग्जांपल क्रिएट करा है। टोटल आउटपुट टैक्स मेरा कितना है, इतना है, तो पहले तो मैं इसका टोटल निकाल लूंगा। टोटल कितना आ रहा है जी, इसका टोटल आ रहा है इसका 20 प्लस 50, ये आ रहा है मेरा 90,000 रुपये। फिर मैं इसका भी टोटल निकाल लूंगा, जो मेरा टोटल ITC अवेलेबल है इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, तो ये मेरा आ रहा है जी 30,000, तो 40,000, ये आ रहा है मेरा 1,00,000 रुपये। इसका मतलब मेरा कहीं ना कहीं ये मेरा आउटपुट टैक्स है, ये मेरा इनपुट टैक्स है, तो यानी कि 10,000 रुपये मेरा कहीं ना कहीं
ज्यादा बैलेंस है, इसका मतलब ये मेरा कैरी फॉरवर्ड होएगा। ये मैंने पहले कैलकुलेशन कर ली अपने दिमाग के अंदर कि कहीं ना कहीं मेरा 10,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड होगा। अब मुझे ये सोच के देखता चेक करता हूँ कि मैंने सही करा है कि नहीं करा। तो ये मैंने कैलकुलेशन रफ में कर ली है, ये काम मैं कर रहा हूँ रफ में कर रहा हूँ ताकि गलती ना हो मेरे से। तो मैंने कहा जी मेरे को 30,000 रुपये लेने हैं, तो 20,000 रुपये मेरे को मेरा आ गया पेबल, 20,000 रुपये पेबल आ गया मेरा। ये 20,000 रुपये मुझे पे करने हैं क्योंकि मेरा आउटपुट टैक्स था 50,000 रुपये और इनपुट टैक्स था 30,000 रुपये IGST का, तो 20,000 रुपये मेरी पेमेंट बनती है। अब ये मेरी पेमेंट बनती है, अब क्या मैं इसकी पेमेंट के लिए CGST यूज कर सकता हूँ? तो यस कर सकता हूँ। मैंने कहा जी पहले मुझे 50,000 रुपये की पेमेंट करनी है IGST की, मेरे पास ITC पड़ा हुआ है इतना, ये मेरा पेमेंट होनी है। अब इसको मैंने पूरा का पूरा यूज़ कर लिया है, अब इसकी पेमेंट के लिए मैं CGST भी यूज़ कर सकता हूँ, इनपुट CGST भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, और मेरे पास इनपुट CGST की पेमेंट ये होनी है, ये मेरा इनपुट पड़ा हुआ है, ये मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है जो मुझे CGST के अंदर एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा हुआ है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने कहा जी मैं एक काम करता हूँ, मैं 10,000 रुपये की एडजस्टमेंट कर लेता हूँ IGST पेमेंट के लिए, जो 10,000 रुपये मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है इसकी पेमेंट मैं यूज़ कर लेता हूँ IGST पेमेंट के लिए। तो मैंने IGST पेमेंट के लिए इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया, मेरा फाइनल CGST में बैलेंस ज़ीरो हो गया। जो मेरा एक्सेस पड़ा था CGST अकाउंट में उसको मैंने IGST पेमेंट में यूज़ कर लिया, तो मेरा यहाँ पे ज़ीरो हो गया। अब मुझे यहाँ भी मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है SGST अकाउंट में, तो मैंने यहाँ से भी 10,000 रुपये IGST में यूज़ कर लिए और मेरा बैलेंस जो है वो 10,000 रुपये हो गया। तो आज की डेट में नेट अगर बात करूँ, नेट मुझे क्या पे करना है, नेट मुझे यहाँ पे ये पे करना है, नेट मुझे 10,000 रुपये गवर्नमेंट को पे करना है, क्योंकि मैंने जो मेरा एक्सेस बैलेंस आ रहा था, ये मेरा एक्सेस बैलेंस आ रहा था CGST का, ये आ रहा था SGST का, इसकी पेमेंट मैंने यूज़ कर ली 10,000 रुपये यहाँ से IGST के लिए, 10,000 रुपये यहाँ से IGST के लिए। मैंने यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट, एज पर सेक्शन 49A यूटिलाइजेशन ऑफ IT CGST शेल बी यूज फर्स्ट टू मेक IGST। पहले हम CGST को यूज़ करेंगे, बाद में SGST को यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने पहले यहाँ यूज़ करा है, पहले मैंने CGST यूज़ करा है, बाद में मैंने SGST यूज़ करा है। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो आपका आ गया 10,000 रुपये। आप इसका टोटल लगाओगे और इसका टोटल लगाओगे और अगर दोनों को माइनस करोगे तो भी 10,000 रुपये आएगा जो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपको अभी कोई डाउट है, वैसे ये क्वेश्चन मैंने खुद क्रिएट करा है इसलिए इसके लिए आपके नॉट सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका कंसर्ट डेवलप हो जाए। पहले हमारे को IGST की पेमेंट के लिए पहले हमारे को CGST यूज़ करना है, बाद में SGST यूज़ करना है, ये दिखाने के लिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को क्रिएट करा है। तो हालांकि इंपॉर्टेंट आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं, आपके लिए ये वाला सिनेरियो एग्जाम में पूछा गया है कि किस तरह से हमारे को पहले IGST को ख़त्म करना है, उसके बाद हमारे को CGST खत्म करना है, उसके बाद हमारे को, तो फर्स्ट रैंकिंग इसकी, सेकंड रैंकिंग इसकी, थर्ड रैंकिंग हो गई स्टेट टैक्स की, इस तरह से हमारे को अपना ये काम करना है। दोस्तों ये हो गए हमारे क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन हैं आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में ITC चैप्टर के और पेमेंट चैप्टर के दोनों को क्वेश्चन ICAI के और RTB के डिस्कस करेंगे आपसे के साथ कंबाइंड क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच, यहीं तक रखते हैं इसको। कुछ क्वेरी होगी, डाउट होगा, आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे पूछिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। यूट्यूब के लिंक पे ना पूछें क्वेरी, क्वेरी पूछने के लिए टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लो हमारे, वहाँ पे हम सारी क्वेरी का आपका आंसर करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।